उठाओ, सब सब हाथ उठाओ, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। आप लोग जोर से बोलो निहार इव भास्कर। हरे कृष्णा, माताएं बात मत करो। देखो भगवान कथा में जो बात करते हैं ना, उसको अगले जीवन में मेढक का जन्म लेना पड़ेगा, ये भागवत कहता है। इसलिए कथा को बीच में जो बात करेगा उसको मेढक का जन्म लेना पड़ेगा, ये भागवत कहता है। इसलिए कथा को बीच में माता जी अब ज्यादा बोलती हो, चुप, मुंह में हाथ लगाकर बैठो। नहीं, खुद तो चेयर पे बैठी गई, दूसरों को भगा देती, बैठो ठीक से, बोलना नहीं। हरे कृष्ण। हाँ देखो, अभी श्री सुखदेव गोस्वामी, अभी श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, बोले देखो परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जी बोले देखो परीक्षित महाराज, कहते जो भगवान की भक्ति ही ऐसे की चीज है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे सूरज उदय होने पर वो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, कहते उसी तरह जो भगवान की नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसका पाप अपने आप हृदय से खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने पंचम स्कंध में नरक की वर्णना की, जो व्यक्ति शराब पीते हैं मरने के बाद उनको लोहे पिघाल करके उसको मुंह में डालते हैं, बोले भगवान तुम्हें ये मुंह दिया था भजन के लिए, लेकिन तुमने भजन को किया नहीं, शराब पिया तुमने, पंचम स्कंध में वर्णना किया। और इन्हीं हाथों में जो तराजू में हेर फेर करते हैं, इसको अंगुल काट देते हैं, जो व्यक्ति इन्हीं आंखों से गंदी गंदी उल्टा पुल्टा चीज देखती है, कहते उसको आग निकाल दिया जाता है मरने के बाद है। इसलिए जो इसी जीवन में मांस खाते हैं, मरने के बाद उसको भी करते हैं, उसको भी काटते हैं, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा अन्न, इसलिए उसका नाम है मांस। ये संस्कृत शब्द है, मांस मतलब क्या, मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तेरे जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट, ईट मी, अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तेरे जो फेर खाएगा है। इसलिए उन्होंने ये 84 नरक की उन्होंने वर्णना की। अब इसको सुन करके परीक्षित महाराज डर गए, डर गए, डर करके बोले ऐसे कोई उपाय है जो ये पाप से निकल सकता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, कर्म की उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन उसको उदाहरण को बोले देखो, जैसे कोई कर्म करता है, जैसे पाप कर्म करता है, जैसे घी में डालडा मिला दे, नहीं तो चावल में कंकड़ मिला दे, कोई देखना कोई कोई व्यक्ति होता है इसे बिजनेस करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, ये पाप कर्म करके फिर आ करके थोड़ी सी दुखी दरिद्र को दान दक्षिणा दे देंगे, दान दक्षिणा देकर फिर देखना दूसरे दिन फिर उठ करेंगे, फिर वही काम करेंगे। उदाहरण दिया जैसे कि हाथी को आप तालाब में उतार करके उसको अच्छे तरह से मल मल करके स्नान करा दो। हाथी का एक स्वभाव है, जब हाथी फिर दो बार तालाब से निकलेगा फिर वही धूल लेकर फर करके सारा शरीर में लगाएगा, फिर हो जाएगा, मतलब इसको द्वारा कर्म को द्वारा कर्म नष्ट नहीं होता है, हैं? नष्ट नहीं होता है। इसलिए बोले ऐसे कौन सा उपाय है जो उपाय करने से हृदय से ये गंदी काम करने का जो भावना है हृदय से खत्म हो जाए, ऊपर से नहीं हृदय से, ऐसे कोई उपाय है? बोले हाँ, ऐसे उपाय है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की नाम जब करते हैं, जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाती है, हृदय में अगर प्रभु का प्रति प्रेम आ जाए, भक्ति आ जाए, अपने आप इस गंदी चीज जीव छोड़ देगा। बोले तब उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, बोले तेरे को एक उपाख्याना सुना था, सुना, बोले सुना, बोले श्री अजामिली नाम का एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण घर में जन्म,
पत्नी बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी पत्नी, और एक व्यक्ति के अंतर में जितने सद्गुण होने चाहिए इनके अंतर में सारे सद्गुण भरा पड़ा था। लेकिन एक दिन उन्होंने जंगल में गए यज्ञ के लिए, कुछ फल फूल लकड़ी लग गई। उन्होंने देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी दोनों शराब पी करके रखे और विवस्त्र होकर के आपस में मिल रहे हैं। उसने तो देखना शुरू कर दिया। देखते देखते जिसको हृदय के फटो भेज गए। लेकिन जब उसने घर में आई, कम उम्र की ब्राह्मणी, बड़ी पतिव्रता नारी, लेकिन देखो असत संग कितना प्रभाव डालता है ना, ये आंखों में जैसे देखोगे ना, है ये सबसे ज्यादा ये गड़बड़ी करने वाली आंखें। उसने घर में पत्नी, इतने सद्गुण संपन्न, सारे चीज घर में, लेकिन एक बार उसने ये गंदी चीज को देख लिया ना, वो घर में आकर के उसने वो बेस्या के पास भी जाना शुरू कर दिया। घर के सारे संपत्ति को धीरे 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 वो बेस्या को देने लगा। जब घर खाली हो गया, उसने अपना पत्नी जो कम उम्र की थी, अपना पत्नी को त्याग दी और देख देख को बेस्या को साथ में रहना शुरू किया। इसलिए यहाँ सिख्या देते, देखो कभी भी हमें उल्टा पुल्टा गंदी चीज नहीं देखनी चाहिए। हमें उल्टा पुल्टा टीवी, उल्टा पुल्टा स्मार्टफोन में गंदी चीज नहीं देखनी चाहिए। अभी इतने डिवोर्स क्यों हो रहा, क्योंकि जैसे हम चीज देखेंगे ना, हृदय में ऐसी भावना आती है। इसलिए उसने अपना अजामिल जैसे व्यक्ति, इतने जो इंद्रियों को दमन करने वाले, सबको सेवा करने वाले, ऐसे व्यक्ति का अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा भाई, हम बैठे को। इसलिए गंदी गंदी चीज आंखों में, वीडियो गंदी गंदी सिनेमा बनवा में नहीं देखनी चाहिए। हमें देखना तो अच्छी चीज को देखो, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मन जहाँ जाएगा तुम उधर ही खड़े हो। अभी उसने वेश्या के साथ रहा, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, मांस मछली अंडा खाया। फिर 10 बच्चे हुए, बच्चों को पालन करने के लिए सारे पूरे कर्म किया। लेकिन था तो हिंदू, उसने सबसे जो छोटा बेटा का नाम रख दिया नारायण। आप देखना सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी बात में बोले, बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा मेरी गोद में बैठ जा। बोले नारायण मेरे लिए पानी ले आ। नारायण तू कहाँ हो, जैसे पिता माता अपना बच्चों को बुला गए। अभी 3 बार उसने नारायण 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 नाम करते रहा। ऐसे करते करते इसका मृत्यु का समय आया। जब उसका मरने का समय आया, हम जो कर्म करते हैं, काल मन और वाक्य, ये तीनों को द्वारा कर्म करते हैं। इसलिए मरते समय 3 जमदूत लेने के लिए आए। अभी जमदूत जब आए, कला में काल घास को डाल करके जब उसको ले जा रहे थे, लेते समय इतने कष्ट हो रहा था। हठात कैसे अपना बेटे को उसने देख करके, उसने जोर से अपना बेटे को बोले, बोले बेटा नारायण, ये 4 अक्षर है। जब नारायण बोले ना, इधर 4 विष्णु झट प्रकट हो गए। बोले मां भयो, कोई भय के कारण नहीं, हम तुमको रक्षा करेंगे। उसका जो सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे थे, इतने में बोले रुक जाओ, ये अजामिल वैष्णव है, इसको कहां ले जा रहे हो, बंद करो। तब विष्णु तो पूछे, तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत, धर्म राजा का दूत। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कैसे कर रहे हो? बोले अधर्म, अब तो बताइए व्यक्ति कौन है, जानते हो ये कौन है? ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया और इसने अपना पत्नी को त्याग दी, एक शूद्राणी वेश्या को साथ में रहा, हाथ के अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, बच्चों को लालन पालन करने के लिए ऐसे कोई पाप नहीं किया, वो पाप कर्म नहीं किया, सीधा नर्क जाएगा। बोले भैया हम समझ गए नर्क जाएगा, लेकिन उसने कुछ सत्कर्म भी तो किया, पुण्य भी तो किया। बोले पुण्य क्या किया? बोले अभी जो उसने नारायण नाम किया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरते समय राम बोल दो, हो गया हैं? हो गया, जिंदगी भर पाप कर्म राम कृष्ण नाम ले लिया, हो गया। देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति, ये विष्णु तो कहते। बोले दुष्ट तुमको क्या पता भगवान के नाम में क्या शक्ति। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भूस का एक ढेर होने थे रुई का, उसमें आग की अगर एक चिंगारी पड़ जाए ना, जला करके रात होते था। इतने शक्ति, अगर एक चिंगारी आग में इतने शक्ति। और जो भगवान का जो नाम है, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम,
सभी बड़ा पुष्टा नाम, इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई। ठाकुर स्वयं अपना नाम की महिमा ठाकुर ही नहीं जानते हैं, इतने महिमा ठाकुर जी के नाम पर हैं। बोले उन्होंने भगवान का नाम लिया, इसलिए नाम लिया मतलब उसने जब अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसका सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन अभी जो बार बार बेटे को बुलाया, बेटा इधर आ जा नारायण इधर आ जा, जैसे हम माला जप करते हैं ना, इसका हो गया माला जप। और अंतिम समय में प्रभु का जो नाम लिया, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अंतिम जावति सागति अंते, अंतिम समय में जैसे स्मरण करते करते मर गए वैसे ही गति होगी। अंतिम समय में जो उसने प्रभु का जो नाम लिया बस इससे कल्याण हो गया। बोले क्या प्रभु का नाम कब लिया? बोले अभी क्या बोला? बोले अपने बेटे को बुलाया था, किसको बुलाया था? वो भगवान को थोड़ी बुलाया था, किसको बुलाया था? बेटे को बुलाया था। तब उन लोगों ने बताया देखो जो भगवान का नाम सारी तरह से कल्याण करता है। कितने तरह से? कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम। पहला नंबर है सांकेत्य। सांकेत्य मतलब होता है इशारा करके, जैसे अपना बेटे का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर नाम रख दिया, तो बारंबार अपना बेटे को तुम बारंबार बुलाते हो, हैं? इसको कहते संकेत। इसलिए आप पहले देखना जितने अब आप इनको क्या नाम आता है? लोकेश। इनको पूछ रहा था तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? क्या नाम था? बनवारी लाल। उसको पिताजी का नाम? राम नारायण। उसको पिताजी का नाम? गणेश राम। उसको पिताजी का नाम? बोलो किशन चंद। इसलिए देखो इनको पिताजी का नाम पूछ रहे थे, सब भगवान के नाम, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछ। बोलो टिक्की टिक्की रिक्की रिक्की। विदेश में ना सिर्फ कुत्तों का नाम से बच्चों का नाम करना। कहते अरे सब पुराना नाम था, हम अभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित कर रहे, अभी सब बात सब नाम किया नजर लग जाएगा। इसलिए बच्चों का नाम कुत्तों का नाम कराएंगे, भगवान के नाम नहीं। आप कभी वृंदावन कभी जाना, वहाँ इस्कॉन मंदिर में जाना, छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछना क्या नाम करा। भगवान के नाम के बगैर कोई नाम नहीं बच्चों का। लड़की को नाम पूछ लो, गीता सीता ललिता विशाखा चंपकलता चित्रा सुचित्रा, सब राधा जी की सखी का नाम रखते हैं। हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते नहीं, वो हरे कृष्ण राधे राधे बोलते हैं। अभी अंग्रेजी लोग हमारी शिक्षा ग्रहण करें और हम लोग अंग्रेजी को झूठन खा रहे, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, विदेश भेजेंगे, हैं? ये सब नाम कैसे रख ले? नहीं, अगर कल्याण चाहते हो ना, अगर उधार होना चाहते हो, बच्चों का नाम कुत्तों का नाम पर मत रखा करो, और मन में जो आ जाए वो नाम मत रखा करो। कौन सा नाम रखो? भगवान का नाम रखो। कम से कम जीवा में जितना बार जीवा में प्रभु का नाम आएगा, एक तो तुम्हारी जीवा कल्याण हो गया, बच्चा बार बार सुनेगा बच्चा का कल्याण हुआ। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजेगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर का अमंगल दूर हो जाएगा। अभी घर में इतने लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? पहले एकदम एक साथ में सारे परिवार रहते, सारे परिवार पांच पांच छह छह भाई एक परिवार रहते कि नहीं? अभी एक को साथ में दूसरे बहनी रहे। इस सारे अंग्रेजियों का संस्कृति का ग्रहण करना चाहे नहीं, अपना हिंदू संस्कृति को अपना सनातन संस्कृति को हमें ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना? क्या रखो? बच्चों का नाम भगवान का नाम। और जिन बच्चों का नाम भगवान का नाम नहीं मेरे पास में ले आना, फिर मैं उनका नाम ठाकुर का नाम पर धरा दूंगा, उनका पहला अक्षर से लेकर के उनका नाम भगवान की नाम धरा दूंगा, ठीक है ना? इसलिए उन्होंने बड़ी तख्त वितर्क उनका अंदर में हुई। बोले भगवान के नाम अगर किसी तरह से परिहास पूर्वक ठट्टा हसी तिलक करते हुए भी अगर किसी ने प्रभु का नाम ले लिया तो क्या होगा? उसको ठाकुर जी कल्याण कर देते, उसकी मंगल कर देते हैं। देखो एक स्टोरी सुनो ध्यान देकर, बच्चे लोग सब स्टोरी को याद करते कि नहीं? बैठे याद करते।
मैं कल पूछूंगा, एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, एक समय किसी घर में दो भाई थे। के दो भाई में कहते एक भाई तो प्रभु का भक्ति करता था, लेकिन एक भाई जो था वो एकदम नास्तिक था। जो नास्तिक था, जो भक्ति करता था, उसको हर समय खिली उड़ा। क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो, दिन भर ठाकुर के सामने बैठते हो। एक दिन जो भाई भक्ति करता था, उसको पता भैया प्रभु का भक्ति में प्रेम में कितना आनंद है। उसको ये आनंद है, वो चाहता था अगर मेरे घर में दूसरे भैया भी भजन करे तो दोनों भाई मिलकर के प्रभु का कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे। एक दिन उसने अपना गुरु जी को घर में बुला, बोले गुरु जी हमारे घर में आओ, सत्संग करो और मेरे भैया को थोड़ा समझा। जब भक्ति करे तो भी भक्ति करेगा तो दोनों मिल करके भक्ति करेंगे, घर में आनंद मंगल रहेगा। अभी उसको जो पता चला गुरु जी आ रहे, वो समझ गया गुरु जी तो मेरे को समझाएंगे भजन करने के लिए, मैं बैठूंगा तब तक मेरे को समझाएंगे। तो जब देखा गुरु जी आए ना, वो बाथरूम में चला गया, वो अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गया घर में। गुरु जी आए, कीर्तन किया, सत्संग किया, और जिसके लिए आए थे वो यही नहीं आए। और गुरु जी जब जा रहे थे, दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा दरवाजा खोल। बोले मैं दरवाजा नहीं खोल। बोले बेटा एक बार तो खोल दे। बड़े कष्ट से दरवाजा जब खोले गुरु जी पकड़। बोले भैया एक बार तो कृष्ण बोल, एक बार क्या बोल, एक बार तो कृष्ण बोल। बोले मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। बोले एक तो एक बार तो बोल दो, मैं नहीं बोलता हूँ। बोले बेटा तू क्या नहीं बोलता? बोले मैं कृष्ण नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता हूँ? बोले बेटा तो कृष्ण तो बोल दिया। बोले देख बेटा, तुमने जो एक बार कृष्ण नाम लिया ना, इसको बेचोगे नहीं, और एक कृष्ण नाम से तेरे को उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। बोले ठीक है गुरु जी। कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई। जब महाराज के पास में गए, चित्रगुप्त को बोले कापी खोलो, बोले कितना पाप और कितना पुण्य बोलो। बोले तो पाप ही क्या, कोई पुण्य नहीं क्या? बोले थोड़ी बहुत तो किए होंगे। बोले एक ही पुण्य किया है, इनके घर में गुरु जी आए थे और गुरु जी से एक बार कृष्ण नाम सुन करके उन्होंने एक बार कृष्ण बोला। और गुरु जी ये भी बोले बेटा अगर ये नाम को तुम नहीं बेचोगे, एक नाम तुमको मुक्त देगा। उसने नाम को बेचा ही नहीं, इतना पुण्य। बोले बेटा ये बताओ, पहले पाप लोग ना पुण्य लोग, उसको याद आएगा। गुरु जी बोले अगर ये नाम को बेचोगे नहीं मुक्ति मिलेगी। बोले एक कृष्ण नाम का फल दे दो। अभी जब महाराज के चक्कर में पड़ गए, उन्होंने भागवत को खोले, वेद खोले, पुराण सारे शास्त्र खोले। जो एक कृष्ण नाम लेता है इसका कितना फल है? उन्होंने जितने शास्त्र खोले, एक ही बात उनको मिला। क्या मिला? हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अजित सागर को लंग सकना बिना पुल के पार, अजित सागर को लंग सकना बिना पुल के पार। सोच नहीं पाए। बोले भैया भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम, पर भगवान के बराबर थोड़ी दुनिया में कुछ हो सकता है। उनका बुद्धि काम नहीं किया। बोले एक काम करो, चलो ब्रह्मा जी के पास में, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, चार मुंह में हरि का नाम लेते वो बताएंगे। बोले भैया चलो ब्रह्मा जी के पास में। बोले मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगवाओ, मेरे को पालकी में बैठा करके ले चलो ब्रह्मा जी के पास में। वो तो फंस गए। पालकी मंगवाए, एक तरफ में चित्रगुप्त, एक तरफ यह महाराज, दोनों कंधे पर लेकर जब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी दूर से देखा, भैया ये कौन सा पुण्यात्मा जिनको स्वयं चित्रगुप्त स्वयं यम महाराज कंधे पर ला रहे, जरूर बहुत बड़े कोई पुण्यात्मा होगा। तब उन्होंने आरती का थाला सजवाए, ये आएंगे तब आरती करेंगे। जब वहां पर पहुंचे, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसको आप कंधे पर लाए? बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले फिर कंधे पर क्यों लाए हो? बोले हम बीच में तो फंस गए, इनको गुरु जी घर में आए थे। बोले एक बार कृष्ण बोलो,
एक बार कृष्ण बोले गुरु जी से मुंह से सुन करके, गुरु जी बोले अगर बेचे को नहीं तुमको मुक्ति मिलेगी, कहते एक कृष्ण नाम का फल। हमने सारे पुराण को सारे वेद उपनिषद ढूंढ लिया, हर जगह में कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान भी अपना नाम की महिमा को बोल नहीं सकते, एक भगव नाम इतने शक्ति है। इसलिए आपको पास में आए अब तो चार मुंह में चार वेद बोलने वाले भगवान के नाम जप कर तो आप ही बोलो, ब्रह्मा भी सारे शास्त्र को ढूंढे, उनको शास्त्र में एक श्लोक मिला बोले मधुरम मधुरम मृतक मंगलम मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूप, उनको भी श्लोक मिला जो ठाकुर जी का जो नाम है ना वो मीठे से भी सबसे मीठा है, मंगल से भी परम मंगल। एक बार अगर किसी तरह से प्रभु का नाम निकला वो चंडाल क्यों नहीं हो उसको भी भगवत प्राप्ति मुक्ति दिला देती है प्रभु का नाम है। अभी ब्रह्मा का दिमाग भी काम नहीं किया, बोले भैया मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, बोले फिर किसको पास में चले, बोले भोले बाबा के पास में चलो, उनको पांच मुंह हर समय पंचमुखे राम नाम दान से पुराई, बोले चलो शंकर जी के पास में कैलाश, बोले चल फिर के नहीं आऊंगा फालतू में लगा सबके सब। अभी ब्रह्मा भी करने लगे, जब शंकर जी के पास में कैलाश पहुंचे पार्वती शंकर देख करके दूर से बोले भैया ये कौन सा महात्मा, वो भी आरती की थाला लेकर के पूजा करने के लिए खड़े रहे, बोले ये कौन सा महात्मा, बोले महात्मा नहीं ये पापात्मा, बोले फिर बोले हमको फंसा दिया, आप ही बताओ एक कृष्ण नाम क्या पर, देखो ये भगवान कपिल देव अपने माँ को ये बात बता रहे हैं, जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं ये पहले पूर्व जन्म में अगर ये चार काम करके आया होगा ना तभी इसी जीवन में प्रभु का नाम ले सकता है, कितना काम करके चार। देखो ये ठाकुर जी कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं बोले अहो बत सपो चहतो गरियान जत जिहाग्र वर्तत नाम तुग, भगवान कहते माँ बोले संपूर्ण जिहाग नहीं अगर जिहाग के अग्र देश में भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, बोले माँ अहो अहो मतलब आश्चर्य होकर के कह रहे हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं पूर्व जन्म में वो चार काम करके आए, बोले चार काम किया है, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में पहले नहा चुके, पृथ्वी में कितना तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है, मैंने पहले बताया ना तुम लोग कोई सुनते नहीं कथा, कितना तीर्थ है तुम लोग कोई यहाँ कथा में नहीं थे, कितना तीर्थ है पृथ्वी में, मैंने बताया ना, इसलिए कहते हैं पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है, 6 अरब, 1 अरब कितना होता है, 1 अरब कितना 100 करोड़, 6 अरब कितना हो गया 6 करोड़ तीर्थ पृथ्वी में, ये भगवान खुद कहते बोले माँ जो प्रभु का नाम जप करते ये समझना पहले जीवन में वो 600 अरब में स्नान करता है तीर्थ में नहा करता है, ये पहला काम। दूसरा काम क्या, बोले पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने तरह का दान पुण्य है जैसे स्कूल खोलना कॉलेज खोलना अन्न छत्र खोलना धर्मशाला खोलना जितने सब पुण्य कर्म है पूर्व जन्म में सारे पुण्य कर्म करके आया है। तीसरा काम क्या, तो जितने तरह का यज्ञ बात यज्ञ असमत यज्ञ जितने बड़े से बड़े यज्ञ ये पूर्व जन्म में करके आया है। चौथा काम है जितने तरह का तपस्या है वो पूर्व जन्म में सारे तपस्या करके आया है तभी इसी जीवन में तो भगवान के नाम को ले रहा है, नहीं तो प्रभु का नाम नहीं ले सकते। मैं यहाँ बोलता हूँ भैया समय को बर्बाद मत करो बैठ करके तो हरि नाम करते नहीं बैठ करके दुनिया की बात करना शुरू कर देते, मैं कहता हूँ भैया कम 7 दिन तो प्रभु का हरि नाम तो कम से कम करो, कम से कम 7 दिन में तो तुम्हारी जीवन बदल करके जाए, लेकिन होगा नहीं दुनिया की बात करो ना ये सारा दुनिया की बैठ करके, लेकिन प्रभु का नाम बोलो तो मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलते, क्यों कारण क्या है, पाप प्रभु का नाम लेने नहीं देता है, हाँ पुण्य आत्मा ही प्रभु का नाम ले सकते हैं। इसलिए कृष्णा किसको कहते अर्जुन को कहते हैं, बोले अर्जुन कौन मेरा नाम लेगा, बोले जने ही पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने अर्जुन मेरी सेवा पूजा करके आया है तभी उसी व्यक्ति का मुंह से मेरा नाम निकलेगा, नहीं तो मेरा नाम नहीं निकलेगा। दुनिया की बात करो लेकिन प्रभु का नाम नहीं निकलेगा। अगर तुमने नाम कर लिया भले ही पूर्व जन्म में नहीं किया अगर इसी जीवन में सामने ना उनके पास में चलो ठाकुर के पास में चलो
बोले ऐसे नहीं चलूंगा, कदर लगा भोले बाबा जी, कद लगा भोले बाबा, नारद जी और चित्रगुप्त और परिजन महाराज जब लेकर के बैकुंठ गए ठाकुर के पास, बोले ठाकुर जी, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा आप कंधे पर लाए हो? बोले प्रभु ये पुण्यात्मा ही पापा आपका, बोले फिर, बोले ये आप किसी शुद्ध संत से एक बार प्रभु का नाम सुन करके नाम किया, संत ने कह दिया इसको नहीं बचेगा तो तेरे को भगवत प्राप्ति होगी, वो कहता है फल तो प्रभु हम तो विचार नहीं कर पाए, आप ही बताओ आपका नाम की महिमा क्या, बोले इसको गोद ले आओ। जब ले आए ठाकुर उसको गोद में बैठा दिया, बोले प्रभु क्या फल, फल फल तो यही है, क्या फल है? अगर किसी शुद्ध साधु से एक बार अगर प्रभु का नाम सुन करके नाम किया तो जिसको चित्रगुप्त स्वयं, जिसको यह महाराज स्वयं, जिसको ब्रह्मा स्वयं, शंकर भी कंधे पर बैठा कर उसको मेरे धाम में ले आते हैं और एक दिन मेरे गोद में उसको स्थान मिलता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए क्या करना है, भगवान का नाम जप करना, ठीक है ना, ठाकुर जी की नाम जप करना, इससे हमारी कल्याण होगा, इससे हमारा मंगल होगा। इसलिए यहाँ पर जपदूत कहते विष्णुदूत कहते हैं, ठाकुर का जो नाम है चार तरह से जीव का कल्याण करता है। इसने जो बेटा का जो नाम नारायण रख लिया, बस इसी से इसकी कल्याण हो गई, इससे इसकी कल्याण, बार बार उसने अपना बेटा को उन्होंने नारायण 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 नाम बोले, तब यहाँ पर उन्होंने उनको जो विष्णु दूतों को है, विष्णु दूतों ने जम दूतों को मार मार के भगा दिया वहां से और उनको बचाया। जम दूत गए जम महाराज के पास में, इनका जितने अस्त्र शस्त्र जम महाराज का चक्र फेंक दिया, बोले आज से आपका नौकरी नहीं करेंगे, हम भी बड़ी अपनी अपमान भोग करना पड़ा। बोले भैया क्या बात है, बोले क्या बात है, हम तो सोच रहे थे जगत का मालिक आप ही हो, लेकिन हमने देखा जगत में आप तो कोई बात नहीं मानते, अब कृपा करके बताओ जगत में दर्द करने वाले कितने हैं। बोले भैया बात तो क्या बताओ, बोले एक अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा पापी था, हम उसको लेने गए थे, पता नहीं कहां से चार चार हाथ वाले आ गए, क्या सुंदर देखने में थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी, क्या सुंदर था। बोले बेटा वो मरते समय कुछ बोला था, बोले एक बार नारायण ने बोला था, एक बार उसने नारायण का नाम लिया, जब महाराज सुनते ही वो तो उन पर बेहोश हो, बोले बड़े दिनों में ठाकुर का नाम सुनने को मिला। बोले ठाकुर जी को, हम तो सोच रहे थे आप ही जगत का मालिक। बोले गुरु को मैं तो ये साधारण ये जो मरते जगत में जो जीव है, क्या बोले कि दंड देने का मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो प्रभु है ना नारायण है, वो मेरे मालिक नारायण, इन्होंने मेरे को नौकरी में लगाया, लेकिन मेरे प्रभु तो नारायण है। तब उन्होंने बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मत लाया करो, जो प्रभु एक चार्ट बना दो, कम से कम पता चलेगा किसको किसको लाना और किसको किसको नहीं लाना। देखो आप लोग भी सुन लो, ये कौन कह रहे जब महाराज, बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठ का हृदय नास्ती गोविंद सनरा ब्रह्म राक्षस। कहते हैं जो भक्त होते हैं ना उनको शरीर में कुछ लक्षण, जैसे यहाँ प्रभु जो सदवा स्त्री है, कुछ सदवा स्त्री है, हमें कैसे पता चलता है तुम सदवा, अपना सिंदूर लगाए, मांग भरे, मंगल सूत्र पहनो, नाक में बेसर शंखा चूड़ी और सब वस्त्र पहनो, जिससे पता चलता आप सदवा है ना, पता चलता है। जब ये पति के लिए इतने श्रृंगार करते हैं, उसी तरह जो भगवान के भजन करते हैं वो भी ठाकुर जी के लिए कुछ चिन्ह धारण करते हैं। बोले क्या है, क्या है वो चीज, बोले ललाटे तिलकम, ललाटे को तिलक लगाते, इसलिए कहीं भी अब कृष्ण का फोटो कभी देखो, भगवान राम को हनुमान को देखो वो तिलक लगाए हुए, वो ऐसे नहीं बूंद नहीं खड़े तिलक, इसको कहते ऊर्ध्व पुंद्रा, जो हमें भगवान तक ले जाए। ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु है, ये महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल देते हैं, ये तुलसी पत्ता जैसे, इसलिए पुराण में बताया जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं, देखो हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये भगवान के 12 को नाम है, इसका नाम ललाट के सवाय उदर नारायण वक्त माधव कंठे गोविंद, ये भगवान के 12 का नाम है। आप सुने होंगे कर्ण का शरीर में कवच रहता है ना, जब तक कवच रहेगा उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकते, ये तिलक कवच का काम करता है। हम कल सुनेंगे जब पुतना आ गई कृष्ण को मारने के लिए, उसको बाद में माँ जसोदा कृष्ण को जैसे तिलक लगा रही है, मेरे लाला का ललाट को केशव देव रक्षा कर उदर नारायण,
भगवान को माँ यशोदा तिलक लगाती है। अगर ये तिलक कोई धारण करता है उसको शरीर में गंगा यमुना सरस्वती दुर्गा सीता गीता ये जितने सबका सब देवा देवी उसको शरीर में निवास करते हैं जो तिलक धारण करते हैं। आप तो हिंदू है, देखना जैसे आप किसी व्यक्ति को बिजनेस के लिए भेज रहे हो अपना अच्छे काम के लिए क्या करते हो तिलक लगा कर भेजते कि नहीं तिलक लगा कर क्यों जिस काम के लिए जा रहे हो काम तुम्हारी बन जाए हैं। घर में जैसे कोई ब्राह्मण आएगा आप देखना जब तक वो आपको तिलक नहीं लगाएगा ना पूजा ही नहीं करेगा क्योंकि तिलक के बगैर जो पूजा है ना वो सबके सब निष्फल हो जाता है। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है कि तो तिलक लगाए बोले दूसरे चीज बोले कंठे फिर कंठे का गले में तुलसी की ये कंठी धारण करते हैं तुलसी की माला धारण करते हैं गले में है। इसलिए देखो ये तुलसी को साधारण लकड़ी मत समझो देखो तुलसी को पूजा कर रहे हर घर घर में तुलसी है कि नहीं क्यों भगवान जब ये जगत छोड़कर गए अपने आप को कहाँ छोड़कर गए तुलसी को छोड़कर गए हम बोलते ना चलो वृंदावन में बोले क्यों बोले बांके बिहारी मतलब क्या वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी वन जहाँ पर तुलसी का वन वहीं पर है कृष्ण। अब तुलसी अब तो हिंदू है आप देखे होंगे तुलसी को साथ में सालग्राम का साथ ही देखे हो कौन कौन देखे हो क्योंकि तुलसी लक्ष्मी है अगर गले में तुम्हारी तुलसी कटी मतलब कौन आ गए लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए। जैसे ठाकुर को आप भोग लगाते हो कौन कौन घर में ठाकुर को भोग लगाते हो अब देखना जब तक तो तुलसी पता नहीं देते हो ठाकुर उसको ग्रहण नहीं करते हैं कहते छापा में भोग छत्री से बैठ जाए बिना तुलसी प्रभु एक ना ही मानी है। जैसे काल भात में अगर तुलसी पता देते प्रसाद हो जाता है उसी तरह जब हम गले में तुलसी कटी धारण करती है मतलब है कि शरीर भगवान के चरण में समर्पित हो गए। आज तुम अपने आप नहीं रह गए कि शरीर ठाकुर का हो गया ठाकुर जी की हो गया। जैसे कोई बोली बोलते हैं गले में तुलसी पवित्र होकर निकलेगा जैसे कोई भोजन करते हैं अंदर में जाएगा तो गले में कंठी ये पवित्र हो करके ये अंदर में जाएगा। इसलिए ये तुलसी कंठी की इतने महत्व है इतने महत्व आप देखना जैसे यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश है ना कौन से मथुराधीश अब देखना भगवान भी गले में तुलसी की माला ठाकुर भी धारण करते हैं तुलसी की माला पहनाते हैं ठाकुर जी को इतने महिमा ये तुलसी की। इसलिए जब महाराज कहते हैं जिसकी गले में तुलसी कंठी समझ जाना कि ठाकुर का आदमी ये ठाकुर जी का आदमी। अभी रामदेव बाबा का अभी कोरोना आ गया था ना कोरोना उन्होंने कोरोना की दवा निकाला अब देखना उसमें तुलसी जूस उसमें तुलसी जूस था उसमें उनको दुकान में जाकर देखना बिकता है तुलसी जूस बिकता है। आप दुकान में एक मेडिसिन ढूंढना उसका नाम तुलसी पावर आप देखना एक पेपर देखो उसको पढ़ करके आना था कहते 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी बिकती है। ऐसे कोई बीमारी जो कैंसर है हमने भी देखा डॉक्टर ने जवाब दे दिया हम सही नहीं कर सकते वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए बोले तुलसी का जूस पियो उससे उसको कैंसर सही हुआ इतने मेडिसिन ये तुलसी बिकते हैं है? इसलिए तुलसी कोई पेड़ नहीं अगर गले में तुलसी कटी हो तो जब महाराज कभी तुमको छुएगा नहीं। और हमारे गुरु जी तो अच्छी बात कहते थे कि देखो दो तरह के कुत्ते हैं कितने तरह के एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता हमें कैसे पता चलता है पालतू फालतू जो पालतू है तेरा गले में पट्टा बंधा हुआ रहता देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते है और जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो कौन है फालतू है। जब महाराज कहते हैं जिनकी गले में ये तुलसी कटी की जो पट्टा है ना ये कौन है बोले भगवान की पालतू है और जिनकी गले में तुलसी कटी नहीं वो कौन है जोर से बोलो आप बताओ पालतू वर्ग ना पालतू हाँ हम श्री बांके बिहारी जी के मथुराधीश के हम पालतू है जब तुम कभी तुमको छुएंगे नहीं हर गले में कंठी होगा तो ठीक है। इसलिए कहते दूसरा बोले तीसरा क्या है बोले भगवान के नाम ठाकुर जी की नाम है ये जब महाराज कह रहे अगर ये तीन चीज देखोगे ना समझ जाना ये ठाकुर जी का आदमी उनको प्रणाम करना अगर वो कोई पाप कर्म करते हैं मैं उसका विचार नहीं कर सकता हूँ वो ठाकुर विचार करेंगे मैं विचार नहीं करूंगा वो ठाकुर विचार करेंगे कितने महिमा गले में तुलसी धारण करने की। और हमारे संत लोग और एक उदाहरण देते हैं जैसे आपको विदेश जाना है अमेरिका लंदन फ्रांस कहीं जाना बताओ तो तुम्हारे पास में क्या होनी चाहिए आप विदेश जा सकते हैं बोलो जोर जोर से वीजा, वीजा।
आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए। पहला नंबर पासपोर्ट, उसको नाम बाद में वीजा, उसको बाद में टिकट। अगर ये तीन चीजें होगा ना, अगर आप इसी साधारण जगत में दो तीन घंटा का पांच घंटा का रास्ता प्लेन में जाओगे तभी तुमको ये तीन चीज चाहिए है। उसी तरह अगर भगवान को पास में जाना चाहते हो, हमारे पास में ये तीन चीज चाहिए। पहले पासपोर्ट, कहते पासपोर्ट की आप पहले गले में कट्टी, पास भाई पासपोर्ट बन गया, वैकुंठ जाने का वृंदावन जाने का पासपोर्ट बन गया। जो तिलक है कभी वीजा है, और जो टिकट है भगवान की नाम पास। ये तीन चीज हो गया तो तुमको कोई वैकुंठ से कोई भगवान का धाम से तुमको कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे Thank you.
हरि बोल हरि कृष्ण। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरंगलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद, सभी एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि तन्मय प्रणाम करते हैं। तदुपरांत समस्त रूपानंद चरण गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त माताएं प्रभु वे हरि कथा श्रवण श्रोत मंडली सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हो गया हो बस माता जी बात मत करो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भागवतम के अंदर प्रसंग आता है श्री चित्रकेतु महाराज का, जो रुद्रासुर के प्रसंग के नाम से फेमस है। भागवतम के लक्षण के बारे में बतलाते हुए एक श्लोक आता है कि ग्रंथो अष्टादश सहस्त्रो द्वादश स्कंद संबंधित गायत्री भैग्री ब्रह्म विद्या यत्र वृत्र व्रदस्तथा। ये वृत्रासुर की कथा जो अभी हम श्रवण करने जाएंगे, ये वृत्रासुर की कथा इतनी महत्वपूर्ण बतलाई गई है कि इसी से ही भागवत का परिचय मिलता है। बता रहे हैं भागवत ग्रंथ कैसा होगा, ग्रंथो अष्टादश सहस्त्रो, जिस ग्रंथ के अंदर 18,000 श्लोक होंगे, द्वादश स्कंद समन्वितम अर्थात 12 स्कंद होंगे, हैग्री ब्रह्म विद्यायत्र अर्थात नारायण कवच, जो नारायण कवच का भागवत के अंदर उल्लेख आता है वह नारायण कवच होना चाहिए, और वित्र व्रदस्तथा, ये वित्रासुर की कथा जिस ग्रंथ के अंदर विराजमान है वो ही ग्रंथ भागवत है। क्योंकि देखो अभी एक देवी भागवत भी है जो हम भागवत श्रवण करते हैं जिसके अंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, इसी तरह से एक देवी भागवत भी है, लेकिन देवी भागवत के अंदर ये वृत्रासुर की कथा नहीं है। इसलिए ये वृत्रासुर की कथा इतनी महत्वपूर्ण भागवतम के अंदर बताई है कि इसी से ही भागवत का परिचय मिलता है। अभी प्रश्न है ये वृत्रासुर थे कौन, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे। चित्रकेतु महाराज कभी इनके संतान नहीं थी, तो नारद जी और इनके पास में अंगिरा ऋषि आए, उनसे वर प्राप्त करके इनकी संतान हुई, किंतु इनकी अनेक रानियां थी। सभी रानियों में से उन्होंने फल किसी एक रानी को खिलाया, वो एक रानी की संतान उत्पन्न हुई, किंतु और दूसरी रानियां जो थी उन्होंने द्वेषान्वित होके और इस शिशु की बाद में हत्या कर दी। अभी पुत्र मर गया, पहले इनको ये दुख था कि बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, अभी इस दुख में इस शोक में पड़े रह गए कि पुत्र को मार दिया। यद्यपि वे नहीं जानते रानियों ने मारा है, लेकिन पुत्र शोक में इतना कंदन कर रहे थे कि उसी समय पर नारद जी और अंगिरा ऋषि पुनः वहां पर आए हैं। बोले राजा क्यों इतना क्रंदन कर रहे हो, बोले आपकी कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, वो पुत्र भी पुनः मर गया, वो पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तभी नारद जी और अंगिरा ऋषि साधारण तो है नहीं, उन्होंने क्या किया उसी पुत्र को दोबारा वहां पर प्रकट कर दिया और कहा हे पुत्र अपने माता पिता से मिलो, उनसे बात करो। वहां पर उनका पुत्र प्रश्न करता है भैया मैं मिल तो लूंगा, पहले ये बताओ आप कौन से नंबर के माता पिता। ये सुन के और चित्रकेतु महाराज तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले कैसी बात कर रहे हो, हम इसके कारण रो रो के आंखें फूट गई, ये कह रहा है कौन से माता पिता हो। अरे भैया हम तेरे माता पिता हैं, इस माँ ने तुझे जन्म दिया था और तेरे का 10-12 माँ है क्या, ये ही तेरी माँ है। बोले मुझे ये तक नहीं पता मैं कितनी बार जन्म ले चुका हूँ, मैं कितनी बार मर चुका हूँ, एक जीवात्मा जब जब भी जन्म लेती है तब तब उसको माता पिता मिलते हैं, सकले जन्मे पिता माता सब ही पाए, कृष्ण गुरु ना ही मिले भजय ही आए। कहते हैं कि सब जब भी अगर हम गधे कुत्ते भी हुए हैं तो उसके अंदर भी माता पिता थे, माता पिता तो हर जीवन में मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो आत्मा प्रश्न करती है कि आप बताओ कौन से नंबर के माता पिता हो। जब ऐसा उन्होंने सुना अपने पुत्र के मुख से उनका सारा मोह चला गया और उसके बाद में उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान के भजन में लग गए। एक समय पर क्या हुआ, वे अपनी रानियों के साथ में विमान में बैठकर और आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे कभी चले गए कैलाश में, कैलाश में कौन है, शिव पार्वती, वहां पर भगवान शिव बैठे हुए पार्वती को हरि कथा सुना रहे थे। वहां पर सामने साधु संत बैठे थे, पार्वती उनकी गोद में बैठी थी और सभी को हरि कथा का उपदेश दे रहे थे। अभी ये चित्रकेतु महाराज और शंकर जी ये दोनों ही शिष्य हैं शंकरषण के। आपने देखा होना शंकर जी के गले में सर्प रहता है, सर्प कौन है, उनके गुरु शंकरषण जी उनके गुरु हैं, और चित्रकेतु भी शंकर जी शंकरषण के ही शिष्य हैं।
तो ये दोनों हो गए गुरु भाई, ये दोनों हो गए गुरु भाई। अभी गुरु भाई में मजाक तो चलता ही है, तो अभी चित्र के तो महाराज ने शंकर जी से कह दिया, बोले ये क्या परिपाटी है, आप स्त्री के साथ में तो गोपनीय स्थान पर बैठना चाहिए, आप स्त्री को अपने गोद में बिठा रखे हो और उसके बाद में संतों को हरिकथा सुना रहे हो, इस तरह का आचरण तो ठीक नहीं। जब शंकर जी, वो तो ये बात जानते हैं, शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी तो बात को समझ गए कि ये हमारे गुरु भाई हैं, हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती इसको समझ नहीं पाई, पार्वती ने वहां पर ऐसा अभिनय किया कि वे क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया, बोले तुम शंकर जी के ऊपर दोषारोपण करते हो, शंकर जी जो कि सत्यम शिवम सुंदरम देवदेव महादेव हैं, और तुम उसमें दोष बुद्धि करते हो, जाओ तुम राक्षस योनि में चले जाओ। जब चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसको ग्रहण किया। यहाँ पर शंकर जी लेकिन बोल पड़े कि पार्वती तुम जैसे देखने में सुंदर हो ना, वैसे तुम अंदर से सुंदर भी, क्यों, क्योंकि हम दोनों गुरु भाई हैं, हमारे बीच में मजाक चल रहा था, तो अरे तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। लेकिन पार्वती जी का श्राप स्वीकार करके और चित्रकेतु महाराज अभी अगले जन्म में वृत्रासुर हुए हैं। वृत्रासुर होके जब उन्होंने जन्म ग्रहण किया, क्या हुआ था, त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया जो इंद्र के विपरीत में, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, बड़ी विस्तृत कथा है, मैं आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ कि असुरों, देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो त्वष्टा ऋषि ने असुरों का पक्ष लेकर और वहां पर इंद्र के शत्रु अर्थात वृत्रासुर को यज्ञ से प्रकट किया। अभी यज्ञ से जब ये प्रकट हुए थे वृत्रासुर, उन्होंने प्रकट होते ही त्वष्टा ऋषि से आदेश प्राप्त किया कि तुम जाकर क्या करो, इंद्र को वध कर दो, क्योंकि त्वष्टा ऋषि के संतान जो बड़ी पुत्र था उसको इंद्र ने मार दिया था। इसलिए उसके प्रतिशोध के कारण क्या क्या उन्होंने इंद्र को मारने के लिए आदेश दिया। जैसे ही वृत्रासुर यज्ञ रणभूमि में जहां पर खड़े हैं और इंद्र के विपरीत वहां पर युद्ध चल रहा है, घनाघोर संग्राम, एक तरफ असुर और एक तरफ देवता, और दोनों में संग्राम चल रहा है, वहां पर क्या किया इंद्र ने, दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक वज्र बनाया। अभी देखो यहाँ पर कितनी एक श्रवण करने वाली बात है, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र वायु, इंद्र तो सभी देवताओं का राजा है, उस इंद्र ने अपने शत्रु को मारने के लिए क्या किया, एक ऋषि की हड्डियां तक ले ली। इंद्र गया दधीचि ऋषि के पास में और उनसे प्रार्थना करता है, बड़ी उनकी स्तुति करता है, चापलूसी करते हुए कहता है कि आप जैसे ऋषिवर तो बड़े दानवीर होते हैं, आपने आपके गुण तो आपके गुणों की तो महिमा ही अनेक है, इसलिए क्या करो आप हमें अपनी हड्डियां दे दो। आप किसी जीवित व्यक्ति को कहोगे कि आप मुझे अपनी हड्डियां दे दो, संभव है, प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो उस समय पर क्या किया, दधीचि ऋषि तो समाधिस्थ होके और भगवान का चिंतन करने लगे, वहां पर एक गाय ने उनको चाटते चाटते पूरा उनका मांस, उनके प्राण चले गए, और उसके बाद में उनकी हड्डियों का लेकर उन्होंने एक वज्र बनाया, और उसी वज्र से वृत्रासुर अभी मरेगा। अभी रणभूमि का समय है जहां पर शत्रु सामने है, और उस समय पर लोगों की बुद्धि कैसी होती है, मारो या मरो। रणभूमि के अंदर जो योद्धा युद्ध करते हैं, शत्रु सामने खड़ा होता है और एक ही दिमाग में आता है कि शत्रु का किस प्रकार वध किया जाए। लेकिन ऐसे युद्ध की स्थिति में भी वृत्रासुर इतने सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। चार श्लोक में उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अहम हरे तव पादे कमूल भगवान, आप कैसे हैं, आपके चरणारविंद आप हैं, अरविंद आपके, आप अरविंद लोचन हैं, आपके नयन कैसे हैं, कमल के समान। अहम हरे तव पादेक मूल दासानु दास भ्रवितास्मि भूय, हे भगवान हमारी ऐसी औकात नहीं, हमारी ऐसी योग्यता नहीं कि हम आपके दास हो पाए, लेकिन कम से कम आपके दासों के दासों का दास बना लो, आप अपने भक्तों के भक्तों का भक्त हमें बना लो। देखो सबसे छोटे होने में बहुत लाभ है, सबसे छोटे होने में बड़ा लाभ है, यहाँ घर में जो छोटे बच्चे घूमते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, आराम से खाना है आराम से सोना है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे दायित्व बढ़ता है ना। तो
तो यहाँ पर भजन करने के लिए भी यही पद्धति बताई है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सरीसृणा, कितने तृण से भी एक छोटा, एक घास का टुकड़ा होता है ना, घास के टुकड़े से भी छोटा होकर दिखा दो। गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, कि मुझे अपने दब में गोपियों के चरण कमलों का दास का दास का दास का दास हूं, अगर मेरी इस प्रकार से ख्याति हो जाए तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए वृत्रासुर भी यही कह रहे हैं कि दासानुदास भवितास्मी भूय, मन स्मरेता, मेरा मन क्या हो, मेरा मन सदैव आपका स्मरण करता रहे, मेरा मन सदैव आपका स्मरण करता रहे, सब समय मैं आपका स्मरण ही करता रहूं। और गृणीत वा कर्म करो तुकाया, मेरी वाणी सदा आपके गुण कीर्तन करते रहे, मेरी वाणी मेरी जीवा की सार्थकता इसी में होगी कि मैं सब समय आपकी कीर्तन करता रहूं, सब समय आपकी महिमा गान करता रहूं, मुझे ऐसे संतों का संग मिले। इसलिए बता रहे हैं अगले श्लोक में कि जब उन्होंने भगवान की इस प्रकार सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे तो हो सकता है भगवान यहाँ विचार करने लगे कि युद्ध भूमि में है, इंद्र सामने खड़ा है, इंद्र के हाथ में वज्र है और वज्र से अभी मार देगा, तो इसलिए हो सकता है कुछ प्राप्ति के लिए, रक्षा के लिए हो सकता है मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। तब अगले श्लोकों में कहते हैं ननाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवन्ता समाञ्जसत्पात् विरहीय कांक्षी। हे भगवान ननाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम, हे भगवान मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, इंद्र मेरे सामने खड़ा है, मैं इंद्र को पराजित करने में सक्षम हूँ, लेकिन मुझे इंद्र का स्वर्गलोक नहीं चाहिए। तो स्वर्गलोक नहीं चाहिए तो क्या ब्रह्मलोक? बोले नहीं, न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम, मुझे इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का अधिपत्य भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, बोले सुतनलोक ले लो, सुतनलोक ले लो, वहां पर तो स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, क्या वो चाहते हो? बोले नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो बोले चाहते क्या हो? बोले समंजसत्वात् विरहीय कांक्षी, हे भगवान सब समय मुझे आपका विरह होता रहे, आपका विरह होता रहे। भैया विरह क्यों चाहिए? विरह क्यों चाहिए? आप देखोगे जब पति पत्नी, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो पति पत्नी घर में एक साथ में रहते हैं, एक साथ में रहते रहते क्या होता है, उसको जब बहुत समय तक मिले रहते हैं तो क्या ही गौरव बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन मानो पति कहीं बाहर गया हो और काफी दिनों के बाद में जब आए तो पत्नी कैसे दौड़ दौड़ के सेवा करती होता है ना, क्यों? क्योंकि विरह हुआ है ना, पहले तो मिल रहे थे साथ में ही थे, लेकिन जब विरह होता है, विरह से क्या होता है, पल पल पति का स्मरण होता है। इसलिए कह रहे हैं समंज सत्वात विरहीय कांक्षी, तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि किस तरह का विरह चाहते हो, किस तरह का विरह चाहते हो, भगवान ने मानो प्रश्न किया। तब तीसरे श्लोक में स्तुति करते हुए कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतराशुदार्था प्रियां प्रियेव व्युषितं विषन्ना मानो अजात पक्षा इव मातरम खगा। तीन उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा, अर्थात पंख रहित एक नवजात पक्षी जिसने अभी अभी अपने अंडे में से बाहर आया है, उसकी माँ दाना लेने के लिए, जो पक्षी है दाना लेने के लिए कहीं बाहर गई है और अभी घोंसले में अकेला है, और वहां पर क्या कर रहा है, अपनी माँ का स्मरण कर रहा है। तो वहां पर माँ का स्मरण करने के दो कारण बतलाए, क्यों? क्योंकि एक तो अभी भूखा है, खुद अपना अन्न संग्रह नहीं कर सकता, खाना नहीं ले सकता, तो इसलिए भूख के मारे माँ का स्मरण कर रहा है, कब माँ आएगी, कब मुझे खाना खिलाएगी। और दूसरी बात भय भी है, दूसरी बात डर भी है, कहीं ऐसा ना हो कहीं बाज आए और मुझे निगल के चला जाए, है ना। तो भगवान मानो यह कह रहे हैं अच्छा भय का भजन है ये, भय के कारण तुम मेरा भजन कर रहे हो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तब उसे एक और श्रेष्ठ उदाहरण देते हैं, क्या, कि स्तन्यम यथा वत्सतरा शुदार्था, कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी गाय जो माँ होती है उसका इंतजार करता है। आप देखो पहले के समय में जो लोग गाय पाले हैं वो लोग जानते होंगे, पहले के समय में गाय जब गौचारण के लिए बाहर चली जाती थी, शाम होते के समय पे गाय वापस आएगी,
अब जैसे ही बछड़े को ये अनुभूति हो जाती है कि अभी माँ के आने का समय हो गया है, किस प्रकार छलांग लगा लगा के और माँ के आने का इंतजार करता है, और जैसे ही गाय घर में घुस रही है उसको देखते मात्र से इतनी छलांग लगाएगा, इतना उत्कंठित हो जाएगा कि कब ये रस्सी खुले और कब मैं जाके माँ के पास में चला जाऊं, और उसके खूंटे से उसको रोक भी नहीं सकते, रस्सी अगर खोलने की कोशिश करोगे तो भी इतना भागेगा, किसी तरह से बस छूटूं और किसी तरह से माँ का स्तनपान करूं, किसी तरह से माँ के वात्सल्य प्रेम का मैं आस्वादन करूं। माँ की भी ऐसी स्थिति होती है, जब गाय जब बछड़े को देखती है इतने वात्सल्य प्रेम में गदगद हो जाती है, बछड़े के पास में आते ही उसको चाटने लगती है, उसको सूंघती है, और चाटते चाटते जब उसका हृदय वात्सल्य में द्रवीभूत हो जाता है तब उसके स्तन में दूध आता है और उसी दूध का फिर ये बछड़ा पान करता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि पक्षी जैसा भय के कारण नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं स्तन्यम यथा वत्सतरा शुद्धार्था, कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ को सब समय स्मरण करता है उसी प्रकार का स्मरण मैं आपका चाहता हूँ। तब यहाँ पर प्रश्न होता है कि बछड़े का जैसे ही जैसे बछड़ा स्मरण करता है, मानो उसने अपना माँ का दूध पी लिया, दूध पीने के बाद तो फिर वापस शांत हो जाता है, तो अच्छा क्या भूख का स्मरण है ये तो भूख के कारण स्मरण है। तब वृत्रासुर कहता है प्रियम प्रियेव उषितम विषन्ना, कि जिस प्रकार एक पति पत्नी, एक जोड़ा था एक पति पत्नी, पत्नी बड़ी अनपढ़ थी, वो कुछ पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी। एक दिन पति ने कहा बोले भाग्यवान हमें तो 10 दिन के लिए बाहर जाना है, हमें विदेश जाना है। बोले 10 दिन कितने होते हैं मुझे तो नहीं पता, और मैं तो आपके बिना रह भी नहीं सकती। बोले मैं काम करता हूँ, मैं इस दीवार पे 10 लाइन खींच देता हूँ, हर एक जैसे एक एक दिन निकलेगा रोज सुबह उठ के एक एक लाइन मिटाती जाना, और जब एक लाइन रह जाएगी, जब एक डंडी रह जाएगी, समझना अगले दिन मैं आने वाला हूँ। अभी रोज रोज ये पत्नी यही करती है, रोज सुबह उठती है और एक एक लाइन मिटाती जाती मिटाती जाती मिटाती जाती। जब 2 लाइन रह गई तो उसके बाद में उसके हृदय में उत्कंठा होने लगी, बोले अब 2 दिन रह गए हैं पतिदेव परसों आ जाएंगे। जब 1 दिन रह गई बोले कल जरूर पतिदेव आ जाएंगे। जब से पति गए हैं तब से कोई श्रृंगार नहीं करती, कोई बढ़िया बढ़िया खाना नहीं बनाती, क्योंकि सब चीज किसके लिए करती है, पति के लिए तो करती है, सुंदर सुंदर खाना बनाएगी, कितने सारे व्यंजन बनाएगी पति की सेवा के लिए, सूर्य श्रृंगार करेगी किस लिए, पति के लिए। लेकिन अब जब लास्ट दिन हुआ है, जब ये पता चल गया कि अगले दिन पतिदेव आने वाले हैं, पूरी रात भर लगी हुई है, 56 भोग बना दिए, 36 व्यंजन और सुंदर श्रृंगार करके पति के स्वागत का इंतजार कर रही है, दरवाजे पे बैठती है, जैसे ही थोड़ी आहट होती है और देखती है कहीं ऐसा तो नहीं पतिदेव आ गए, और जैसे ही पति आता है उसको देख के इतने आनंदित हो जाती है, इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, बड़े प्रेम से उसकी सेवा करती है, उसको जो भी चीज पसंद हो उसे लाला कर देती है। बता रहे हैं इस प्रकार का प्रेम प्रियम प्रियेव, यहाँ पर बता रहे पति पत्नी भी नहीं, जैसे एक प्रिया प्रियतम के बीच में जैसा प्रेम होता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में भी ये संबंध का ज्ञान आ जाता है कि पति मेरा भरण पोषण करते हैं, मेरा उनके साथ में संबंध है, मेरे को सब जो आवश्यकता की चीजें होती है वो ला ला कर देते हैं, पत्नी की सारी मांग पति तो पूरी करता है, तो इसलिए वहां पर भी ये संबंध का बोध है। लेकिन एक प्रिया प्रियतम क्या कभी उसका भरण पोषण करता है? प्रिया और प्रियतम के बीच में कभी ऐसा संबंध नहीं होता, वहां पर निष्काम प्रेम होता है। इसलिए वृत्रासुर कह रहे हैं प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना, कि ये प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में 34 श्लोक में स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, हे प्रभु मेरे ऐसे कर्म नहीं है कि मैं आपके धाम को इसी जीवन में प्राप्त कर दूं, लेकिन जैसे जैसे कर्मों के अनुरूप जैसा जैसा भी मेरा जन्म क्यों ना हो एक चीज मुझे प्रदान करना, क्या? आपके भक्तों का संग, आपके भक्तों का संग मुझे प्रदान करना। यदि आपके भक्तों का संग मुझे प्राप्त रहेगा तो उसी में मैं आनंदित रहूंगा, उसी में मैं मस्त रहूंगा। लेकिन जो माया से मोहित होकर इस सड़ जड़ जगत के लोग हैं उनका संग मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करके वृत्रासुर वहां पर रणभूमि में खड़े हैं, और इंद्र भी वहां पर लज्जित हो रहा है कि इतनी सुंदर स्तुति ये भगवान की कर रहा है, मैं कैसे इसको मार दूं। इंद्र ने वृत्रासुर के उस स्थान पर दोनों हाथ काट दिए, और दोनों हाथ काटने के बाद में वृत्रासुर ने क्या किया, इंद्र को ही रसगुल्ले की तरह निकल गए, इंद्र को निकल गए, और उनके हाथ में वज्र तो था ही, वृत्रासुर के पेट में जाकर उन्होंने 1 साल तक वहां पर कुछ मशक्कत करी, बाद में पेट फाड़ के और बाहर आए और इस तरह से वृत्रासुर की मृत्यु हुई। तो बड़ा सुंदर वृत्रासुर का प्रसंग है यहाँ पर, जो शिक्षणीय हम लोग के लिए विषय है कि किस प्रकार उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति करी है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या मांगी, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों का संग।
यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पांच साकल पत्र भाष्य कृपा संदर्भ वेदा नाम पाव भगवान बामन देव की दो चार मिनट बाद में ले आ ठीक उसके हाथ में कमंडल है। हरे कृष्ण रुक जा पांच मिनट देखो प्राय करके ये देवता दैत्य में लड़ाई हुआ करती है। अगर दैत्य लोग मर जाए उनका गुरु जी का नाम शुक्राचार्य वो एक संजीवनी मंत्र जानते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं वो जिंदा कर देते हैं। अगर देवता लोग मर जाए तो वो पूरा बीमार मर जाए। एक समय देवता लोग अपना भगवान के पास में गए बोले प्रभु हम अमरत्व को कैसे प्राप्त करें बोले ये समुद्र मंथन करो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा वो अमृत को पी करके आप अमर बन सकते हो। अभी समुद्र मंथन किया तो सर्वप्रथम ये हलाहल बीस निकला और शंकर जी वो हलाहल बीस को टन के टन बीस पान करके अपना कंठे में रख लिया। शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की जय। हाँ देखो शंकर जी एक अच्छी शिक्षा दिया अगर कोई जल्दी चीज हो ना आप अपना दिल में मत रखा करो नहीं तो उसको अपना मुंह में भी मत रखा करो। अगर कोई गंदी चीज को अगर अपना मुंह में रखोगे ना लड़ाई में कि बच्चों खड़े मत करने करना उसको घर में उधर में जाओ। अब तुम लोग घर में चले जाओ बच्चों घर में अंदर में जाओ इधर नहीं उनको घर में भेज दो। हरे कृष्ण। हाँ इसलिए शंकर जी सिखा देते हैं कोई गंदी चीज हो ना ये गंदी चीज को क्या करो अपना मुंह से मत रखा करो। अगर मुंह से रखोगे फिर लड़ाई संसार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे हर चीज में हड्डी है जैसे अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है हाथों में भी हड्डी सीधा हो जाती है कमरे में भी हड्डी। आप लोग बैठे हो आप बताओ तो हड्डी किसमें है जोर से रसगुल्ला मिठाई और मालपुआ और क्या कचौड़ी सारे रस को ही लेता है कौन लेता है ये जीवा लेता और ये जीवा हर समय कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे ये महाभारत क्यों हुआ है क्योंकि द्रौपदी केवल इतनी सी बात बोल दी अंधा का बेटा इतनी सी बात में ही महाभारत हो। आप देखना हमारे घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाए इसका कारण कौन है जीवा औरत और जीवा मैं घर में है कोई थोड़ी सी कोई बात हुई नहीं ये जीवा थोड़ी सी कोई स्लीप हो गया थोड़ी सी कोई बात निकलेगा ना बस रात भर पति को मंत्र देती रही देखो ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे बोला बस भाई भाई में लड़ाई और बहु बहु में अब जानते हो ये रामायण क्यों हुआ इसलिए ये जीवा से वहां से तो द्रौपदी की वजह से महाभारत वहां पर माता सीता की वजह से रामायण हुई। क्यों रामायण हुई जब रावण है उन्होंने मार्जी को भेज दिया और सीता मां ने बोल दिया मार्जी को पकड़ कर गिला घिरे रखो प्रभु राम चले गए लेकिन वो धराक्षस इतने में मारी जी के जो प्रभु राम बाण मारे मारी जी जोर से पुकारा बोले भैया लक्ष्मण बचाओ। मैया सीता बोले देखो तेरे भैया पर कोई विपत्ति आई लक्ष्मण को पता था राम पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है जो भगवान है भगवान बोले नहीं भैया मेरे को बोल कर गए आपको देखने के लिए क्योंकि राक्षस लोग क्या रहते हैं मैं नहीं जा सकता। सीता क्या बोल रही अभी मेरे को पता चल रहा है तू क्यों आया था ये सोच रहे हो राम मरेगा तो तुम मेरे को शादी करोगे ये तो सीता को मां मानता है अगर ये कैसे सहन कर सकता है। उसने क्या किया लक्ष्मण रेखा को काट दिया देखो माता जी एक काम करना मैं कभी प्रभु राम का कभी भी आदेश को अमान्य नहीं किया लेकिन आप ऐसे कठोर शब्द बोले मैं कभी सहन नहीं कर सकता लेकिन एक काम करना ये रेखा में काट कर जाता हूँ कि रेखा कोई पार नहीं करना। देखो उन्होंने दो गलती की कभी माता जी से गलती नहीं शिक्षा दे रहे हैं माताओं को पहला गलती जीवा चलाया
लक्ष्मण को कई शब्द सुनाए। दूसरा बात किया क्या, लक्ष्मण रेखा को पार किया, मर्यादा रेखा है। फिर रावण हाथ, रावण ने क्या किया, उठा करके ले लिया। देखो लड़कियां, तुम लोग ध्यान से सुनो, कभी भी अपना मर्यादा रेखा को पार मत करो, नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोल के रावण तो तृतीय युग में, रावण तृतीय युग में था, उस समय में एक रावण था, भी घर घर पे रावण, मानते कि नहीं घर घर में रावण, ये घर घर पे रावण हो गई। इसलिए लड़कियों को कभी भी अपना, गली गली में माता जी कह रही, गली गली में घूम रही, इसलिए लड़कियों को कभी भी अपना मर्यादा रेखा को पार करोगे तो रावण उठा ले जाएगा। और जीवा को नहीं चलाना, जीवा को नहीं चलाना। इसलिए महाप्रभु बोले, देखो जता बोलने की इच्छा है ना, हम कल सुन रहे थे ना, महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा उसका हाथ का भजन करूंगा। जो लखपति बनेगा मतलब जो 100,000 हरिनाम करो, ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, प्रभु का माला लेकर के दिन भर भजन करना, जिससे शांति सुख मिलेगा, इसमें घर की दुख कष्ट दूर होगा, जिसमें घर की दुख कष्ट दूर होगा। इसलिए यहाँ पर शंकर जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, हृदय में कोई गंदी चीज को मत रखा करो, मुंह में मत रखा करो, कहाँ पर रखो, कंठ में रखो। लेकिन शंकर जी देव देव महादेव है, अगर एक बूंद अगर हम जहर पान करेंगे ना, हमारे राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन शंकर जी ने क्या किया, तन तन के उन्होंने पूरा पूरा जहर पी लिया और उन्होंने अपना गले में धारण कर लिया, शंकर जी के स्वभाव हो गया शंकर जी की। इसलिए एक नया नाम पड़ेगा, कौन सा नाम पड़ेगा, नीलकंठ महादेव की जय। फिर समुद्र मंथन हुई लक्ष्मी के लिए, उन्होंने नारायण के गला में माला पहना दिया, बोले लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मंथन हुई जिसमें निकला अमृत, अमृत देवदत्त दैत्य में लड़ाई हुई, इतने में मोहिनी आ करके बोले लाइन करके बैठ जाओ। जब उन्होंने पिला रही थी देवता को, इतने में सौर भान नाम दैत्य बीच में धोखे से पी लिया, भगवान गला काट दिया, एक राहु केतु हुआ और बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये ग्रास करता है, हैं? ये समुद्र मंथन, इतने में ये समुद्र मंथन से अमृत निकला। जब अमृत उन्होंने क्या किया, देवता को उन्होंने सब कुछ पिला दिया, फिर तो दैत्यों को बड़ा क्रोध आया, आया तो बलि महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ किया तो वहां से एक सुंदर रथ निकला, रथ में बैठ करके कहीं युद्ध करेगा उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर तो देवता को मार मार कर भगा दिए, फिर इंद्र सिंहासन को उन्होंने अधिकार कर लिया। अभी देवता को माओ ने गए कश्यप जी के पास में, कैसे मेरे पुत्र को स्वर्ग मिलेगा, बोले एक काम करो, है 12 दिन का एक पयो व्रत रखो, भगवान वामन देव आएंगे, वामन देव कृपा से फिर स्वर्ग राज्य मिलेगा। फिर भगवान वामन देव प्रकट होते हैं, बोले भगवान वामन भगवान की जय। भगवान वामन देव को ले आओ, वामन इधर ले आओ, उनको छतरी पकड़वा करके ले आओ, उनको छतरी पकड़वा दो, कमंडल दिलवा दो। भगवान श्री वामन देव प्रकट हुए, तब उन्होंने उपनयन संस्कार करवाए, बोले उपनयन के बाद में नियम है, उनको इधर से इसलिए भगवान वामन भगवान की जय। भगवान वामन देव बोले गुरु जी की दक्षिणा देनी चाहिए, बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहते हो, बोले देखो नर्मदा नदी किनारे में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर जाओ, इसलिए वहां पर यज्ञ हो रहे हैं, वहां पर जाओ और बलि महाराज से स्वर्ग राज्य को माफ कर दिला। तो उन्होंने वहां पर गए और बोले पहले तुम संकल्प करो, फिर मैं वर मांगूंगा। तब उन्हें जब संकल्प करने जा रहे थे, इसने जा करके बोल दिया, इसको बोल दिया, उन्होंने शुक्राचार्य को बोले, बोले आप तो स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हो, आप तो स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हो, अरे तुम्हारी चेला लूटे जा रहे हैं, वो ठाकुर जी अभी बामर बन करके आए, अभी 3 पग जमीन मांगेंगे, त्रिभुवन को ले जाएंगे, तेरे पास में कुछ नहीं रहेगा चेले के पास में। और शुक्राचार्य भागते भागते आए, बोले बलि सावधान, बोले क्या बात है, बोले जानते ये कौन है, इसको कोई मुकुट नहीं पहना है, इसलिए बोले जानते हो ये कौन है, बोले कौन है, बोले पहले जो मोहिनी बनकर के आए थे ना, अब तुमको वंचित कर दिया अमृत से, वो मोहिनी अभी मोहन बनकर गया,
ये तीन पग जमीन नहीं, ये त्रिभुवन में ले जाएगा। बोले खबरदार, ऐसे दान को दान नहीं मांग जाते जो सब कुछ लूट जाए। बलि महाराज बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू, आप कह रहे हो भगवान स्वयं मांगने के लिए आए, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो तो चाहने पर सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन एक तो दुर्गा फिर शेर पीठ पर चढ़ करके आए, एक तो दानी दान मांगने, फिर भगवान स्वयं आए, मैं ठाकुर को तो दान दूंगा, ठाकुर को मैं दान दूंगा। बोले मैं गुरु जी हूँ, मेरे आदेश नहीं पालना कर। बोले नहीं, बोले जाओ तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, श्री भ्रष्ट हो जाओ। बोले जो कुछ अभिशाप दो, लेकिन मैं ठाकुर जी को जरूर दूंगा। इसलिए उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया। देखो नियम है, गुरु जी को त्याग देने का पाप, गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन त्याग दे सकते हो। बोले तब अगर गुरु जी अगर शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं हो, कहीं गुरु जी भ्रष्ट हो गए, भक्ति लाइन को उन्होंने संपूर्ण छोड़ करके पूरा अभद्र रास्ता में चले गए, प्रभु का भक्ति भक्ति छोड़ छाड़ दिए हैं, भक्ति की विरोधी का काम करते हैं, फिर गुरु जी को त्याग देने में कोई दोष नहीं। इसलिए उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया। क्यों? गुरु जी कह रहे थे, बोले गुरु जी मतलब क्या है, बोले गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधको, गु मतलब अंधकार, रु मतलब आलोक। हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार हटाए दिव्य आलोक जो संचार कर, ये गुरु जी का काम है। अब गुरु जी हमें क्या करते हैं, तद अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या करते हैं, जो कण कण में जो भगवान बैठे हैं उनको जो दर्शन करा, ये गुरु का काम है ना। बोले साक्षात भगवान आए भिक्षा मांगने के लिए, आप कहते हो भगवान को अब भिक्षा मत, तो तुम गुरु कैसे हो? इसलिए बोले भैया ऐसे गुरु की जरूरत नहीं, अगर वो गुरु जी की बात सुनते तो भगवान मिलते नहीं, और गुरु जी का बात नहीं सुनते तब उनको ठाकुर जी मिले। इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने क्या किया, बोले संकल्प कर, जो संकल्प करने जा रहे थे, फिर शुक्राचार्य आकर के कमंडल में फिर बैठ गए, एक कुछ से छेद किया तो आंख ही फूट गई, और गुरु जी भाग गए। यहाँ से क्या देते हैं, देखो अगर प्रभु की भक्ति की सेवा कोई करने जा रहे हैं, भैया बीच में रोक टोक नहीं करनी चाहिए, बीच में रोक टोक नहीं करनी चाहिए, फिर तो आंख ही जाएगा, अंधा निकल जाए वो लोग। फिर भाग के फिर उन्होंने संकल्प किया, ठाकुर जी एक पल में भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक तो गया, ब्रह्मांड को भेद करके जब उनको कटाव से कहते माता गंगा स्वयं वहां से प्रकट हुई, और भगवान की चरण धो करके ब्रह्मा जी अपना कमंडल में गंगा रख दिए, वहीं से गंगा प्रकट हुई। बोले श्री गंगा देवी की दूसरे पद अतल वितल अतलातल सुतल पातल लोक तो गए। बोले बताओ तीसरे पद कहाँ पर रखे, बड़ा अभिमान कर रहा था झोली भर दूंगा है, बताओ तीसरे पद कहाँ पर, नाग पास बंधन में बांध दिया। जब बांध दिया उनका जो पत्नी थी ना रत्न वाला, बहुत अच्छी थी, बड़ी भक्ति परायण थी, बड़ी अच्छी थी। तब उनको पत्नी ने बोले, देखो माता इस पर ध्यान दे, पत्नी ने बोली भगवान को क्या किया, कुछ तो दिया ही, दुनिया भगवान का, भगवान अपना दुनिया को लेकर गए, तुमने कुछ दिया, तुमने दिया ही ठाकुर जी को। बोले जब तक खुद को खुद नहीं तो देना थोड़ी है, बोलो ना मेरे सर पर लिखो। बलि महाराज इतने खुश हो गए, बोले वाह पत्नी ऐसे होनी चाहिए। देखो बोले दो तरह का पत्नी है, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। कितना कैसे पत्नी, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी किसको कहते हैं, बोले धर्म पत्नी उसे कहती है जो हर समय पति को कंधे में कंधे मिलाकर चले, सुख में सुखी दुख में दुखी रहे, ऐसे नहीं जब तक धन रहे तब तक रहे, धन गया तो बस पति को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। बोले सचमुच से तुम पत्नी हो हैं, सचमुच से तुम धर्म पत्नी हो, पत्नी ऐसे होनी चाहिए। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ा ना दानी बढ़ा, बोले दानी बढ़ा, बोले दान तो लिए दानी तो कोई बाकी है। बोले बोले कहाँ सर प्यार रखे, बोले मैं सर पर रखू, वाह ठाकुर जी उनके सर पर प्यार रखे, हे सारे देवता देख करके। बोले श्री बलि महाराज की जोर से बोलो, श्री बाबा भगवान की जय, देवता लोग जय जयकार किए। बोले क्यों, बोले जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तपस्या करते हैं तभी जिन चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चरण कहाँ पर रखे, श्री बलि महाराज का सर पर रखे। भगवान रीच गए, बोले तुमको सुतल लोक में स्थान देता हूँ और तुम बाद में तुम ही इंद्रपद को प्राप्त करोगे। बोले बर मांगो, बोले प्रभु एक ही बर दो,
जब घर से निकलू ना आपका दर्शन करू, जब घर में आऊ आपका दर्शन। ठाकुर जी तरुण बन गए, ठाकुर जी तरुण बन गए। एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, देखा वैकुंठ खाली। बोले ठाकुर जी कहाँ गए? बोले पता नहीं कहीं गए, अभी तक आए। बोले देखो तुम्हारे जो प्रभु है ना विदेश में नौकरी ढूंढ लिए। बोले नौकरी? बोले कहाँ पर? बोले बली महाराज के दरबार में दरबार का काम कर रहे हैं। बोले दरबार की काम कर रहे हैं मेरे प्रभु? बोले हाँ, अभी लेने के लिए लक्ष्मी आई और देखा ठाकुर जी दरबार की काम कर रहे हैं। जागते रहो जागते रहो। लक्ष्मी बोली यही कसर रह गई थी। बोले आप जिंदगी में सब भक्तों का प्रेम में बसी हुई अगर सब कुछ किया, क्या ये दरबार बनने का कसर रह गई थी? दरबार बनने के लिए? बोले देखो ड्यूटी दे रहा हूँ, बोलो मत। भाई मैं बात नहीं कर सकता। बली महाराज रोज सवेरे दान देते हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी भी वो लाइन में खड़ी हो। लक्ष्मी की नंबर आई, बोले बर्मा को। बोले पहले कसम खाओ, पहले संकल्प करो। बोले एक तो संकल्प करने के लिए पहले आया था, ये दूसरे कौन कहाँ से आ गई? बोले संकल्प का क्या जरूरत? बोले बगैर संकल्प से तो ना ही मांगू भी नहीं, पहले संकल्प करो। बोले संकल्प लिया। बोले मांगो। बोले देखो मेरे घर में सारी चीज है लेकिन कोई अच्छे दरबार नहीं। और मैंने देखा एक अच्छा दरबार यहाँ है, ये दरबार को मेरे को दे दो, ये दरबार को दे दो। बोले आप बताओ पहले आप कौन हो, कौन हो? तब माँ लक्ष्मी स्वयं माँ प्रकट हुई, हाँ साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जब प्रकट हुई बोले देखो प्रभु को मैं दे नहीं सकता हूँ। बोले प्रभु आप एक स्वरूप में जाओ और दूसरे स्वरूप में यहाँ पर आओ। देखो ये जो बलि महाराज कि प्रेम में भगवान कितने वशीभूत हो गए, उन्होंने माँ लक्ष्मी को दान दिया है। किसको दान दिया? आप देखना लक्ष्मी हर समय हाथ ऐसे करके बैठती है। पता कौन लक्ष्मी नहीं चाहती? बताओ लक्ष्मी के लिए सब पागल, उनकी कृपा सारा दुनिया चाहते। लेकिन आज लक्ष्मी दुनिया को देती है लेकिन आज लक्ष्मी को दे रही है। कौन कौन दे रहे हैं लक्ष्मी को? बली महाराज। किसको दे रहे? छोटे छोटे चीज नहीं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो था, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक को किसको दे रहे हैं? माँ लक्ष्मी को दिया है। इतने बड़े भक्त बली महाराज के, भगवान जी के प्रेम में रीत गए हैं। कभी भगवान वामन देव आप लोगों के पास में कुछ भिक्षा लेने जाएंगे, नियम है भगवान को जो भिक्षा देगा ना, जैसे श्री सुदामा जी दो मुझे चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए है। इसलिए भगवान सारा जीवन आपको दिए हैं, अभी ठाकुर जी आपको पास में भिक्षा लेने जा रहे हैं। आप लोग कुछ कुछ ठाकुर जी को कुछ कुछ भिक्षा लेना, ठीक है? जाओ बेटा भिक्षा ले गए, तुम जाओ। बोलो तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे जोगी, तेरे द्वार Thank you.
भगवान की जय। अब अभी जाओ, अब सब बन कर जाओ। उनका बेटा कहाँ गया? राहुल इनको धोती पहना था और उनका बढ़िया पगड़ी। देखो वो जो भैया पगड़ी में है ना, तो वो पगड़ी तो नहीं भैया। भैया देखो इधर, ये पगड़ी नहीं बदल माता जी, तुम भी चले जाओ। तुम नहीं, आप नहीं, नीचे खाली होती। बढ़िया सुंदरी कोड़ करके आना सर, जल्दी करके। प्रभु जी जल्दी घर में जाओ, सामने खड़े तुलसी वृंदावन बिहारी एक बार हाथ उठा सबके साथ बोला, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम। हरे बात आप छोड़ दो ना, हाथ बना फोन पे बात करने, हाथ उठाओ सबके सब, जोर जोर से बोलो, हरे श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, कहते श्री दक्ष प्रजापति हुए, कहते उसी परंपरा में उसी परम बात मत करो, क्यों क्यों चिल्ला रहे, चुप चुप चल उधर जा। हरे कृष्णा, कहते उसी परंपरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु। क्या नाम था? इनके घर में सब संपत्ति है, लेकिन एक चीज कमी थी, घर में कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा बहुत दुखी थे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बोले गुरु जी, घर में तो सारे संपत्ति है लेकिन घर में कोई औलाद नहीं, आप कृपा कर घर में बेटा नहीं जन्म। लेकिन पहले ऋषि मुनि लोग साधारण नहीं थे, ऋषि मुनि लोग यज्ञ करके उसमें खीर बना करके खिलाते थे जिसमें बच्चे होता था, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाए। जब यज्ञ करवाए उसी समय में अभी पिताजी की इच्छा है घर में एक बेटा जन्म हो, लेकिन एक पत्नी की इच्छा है घर में बेटी हो, क्योंकि पिता सोचते हैं घर में अगर बेटा होगा तो राज्य शासन करेगा, लेकिन मैया सोचती है घर में अगर बेटी होगी तो बेटी क्या करेगी, मैया को घर में मदद करेगी। लेकिन जब यज्ञ हो रहा था उनकी जो पत्नी थी, पत्नी जा करके जो यज्ञ कर रहे थे ऋषियों को बोले, देखो घर में अगर बेटी होगी ना,
फिर तो मुंह मार के खूब दक्षिणा मिलेगी। अगर घर में बेटा होगा ना फिर कोई दक्षिणा दुखना नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं दूंगी। अभी ब्राह्मण लोगों ने देखा भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, हैं बढ़िया दक्षिणा माल मिले। देखो ऋषियों के पास में कैसे मंत्र शक्ति था, ऋषि लोग जब मंत्र पढ़ करके यज्ञ करते थे अगर बेटा का मंत्र पढ़े तो बेटा हो जाता था, अगर बेटी की मंत्र पढ़े तो बेटी हो जाती, मतलब इतने शक्ति पहले ऋषियों के पास में हुआ करता था। हैं तब उन्होंने बोले बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोले मंत्र को घुमा देना। उन्होंने बेटा का मंत्र नहीं पढ़ कर उन्होंने बेटी की मंत्र पढ़ दिया और वहां पर खीर बनवाया और पत्नी को खिलाई गई और घर में एला नाम वहां पर सुदुर्ण नाम का एक बेटा जन्म हुआ, बड़ा सुंदर एक बेटी हुई जिसका नाम थी एला। वो बेटी जन्म हुई, राजा वशिष्ठ के पास में गए, बोले गुरु जी मैंने कहा था घर में बेटा हो गया बेटी कैसे हुई। तब उन्होंने पुरोहितों को बुलाए बोले भैया इधर आओ, बोले ये बेटा नहीं होकर बेटी कैसे हुई, बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं है क्योंकि इनके घर में है ना एक मत ये कोई नहीं है, पिताजी कहते बेटा हो और पत्नी कहती है बेटी हो और पत्नी बोली बढ़िया बेटी होगा तो मुंह मांगे दक्षिणा मिलेगा। इसलिए हमने बेटी का मंत्र पढ़ ली। तब वशिष्ठ जी ने कहा देखो जब घर में बेटी आती है सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, कौन आई लक्ष्मी आई, लेकिन बेटा आने पर कोई नहीं कहता नारायण आया, कोई कहता नहीं कहता, लेकिन बेटी आई तो घर क्या कहते घर में। लेकिन अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर बेटी आए तो नाना नानी का तो अवस्था खराब है, लेकिन बेटा हो तो बड़ा खुश हो जाता है। बोले नहीं अगर दुनिया में बेटी नहीं होगी माँ नहीं होगी दुनिया रहेगा बताओ, अगर दुनिया में बेटा ही बेटा हो गए। अभी तो कुछ कुछ बच्चों में हमने सुना बेटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और बेटी मिल नहीं रही है शादी के, बेटी नहीं मिल रही है शादी के। आप देखना भले ही बेटा कभी पिता माता का विरोध जाता है शादी को बात पता नहीं एक रात में इसे मंत्र देती है दूसरे दिन इसको खुद ही खराब हो जाता है, लेकिन आप देखना कभी बेटी आप कभी भी नहीं सुनोगे बेटी कभी बुरी हो। बेटी भले ही शादी होकर के अपना ससुर घर चली जाती है वहीं से खबर लेती रहती है मेरे पिताजी कैसे मेरे माता जी कैसे, मैं सारा दुनिया में जाता हूँ लास्ट में घर में कभी कभी इतने लड़ाई झगड़ा होता है पिता माता चाहकर बेटी को पास में आ सके, बेटी लास्ट में सेवा करती है। इसलिए ये नहीं सोचना नहीं केवल बेटा 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 चाहिए, बेटा संपत्ति मांगेगा बेटी नहीं मांगती है, इसलिए बेटी हो नहीं तो बेटा हो दोनों को आदर करके रखनी चाहिए। इसलिए घर में बेटी आए तो कौन आती है लक्ष्मी आती है, कौन आती है लक्ष्मी आती है। जब उन्होंने ये बात बताई बोले भैया ये तो बात की बात लेकिन हमें बेटा चाहिए लेकिन राज शासन कौन करेगा। लेकिन देखो उनकी अंदर में इतनी शक्ति थी वशिष्ठ उन्हें जो बेटी थी ना उन्हें बेटी को बेटा बना दिया जिसका नाम हो गया सुदुम्न। जब बेटा बड़ा हुआ एक दिन सन्यास सामंत को लेकर के जंगल में घूमने गया था, लेकिन वो जंगल में जो प्रवेश किया ना जितने घोड़ा सब घोड़ी हो गए जितना सैनिक सब लड़की हो गई और जो सुदुम्न था फिर राजकुमारी बन गया सबके सब लड़की हो गई। आपस में देखे भैया ये क्या हो गया हम लड़की कैसे हो गई सबके साथ लड़की कैसे हो गई। पहले वो जंगल में श्री शंकर जी रहते एक दिन चतुसन शंकर जी को दर्शन के लिए गए, जब दर्शन के लिए गए शंकर पार्वती उसमें मिल रहे थे, शंकर पार्वती मिल रहे थे। अभी इतने में मैया पार्वती तो बड़ी लज्जित हो गई शंकर जी को बोली कौन सा घर गृहस्थी है जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा कर कहा जाता है कोई घर गृहस्थी है। शंकर जी उसी दिन से अभिशाप दिए अगर इसी जंगल में कोई पुरुष लोग प्रवेश करेगा तो पुरुष नहीं रहेगा सबके सब स्त्री हो जाएगी। अभी इतने लज्जित हो गए सबके सब कोई घर में नहीं आ पा रहे। फिर राजा के पास में खबर आया कि सबके सब बेटी बन गए। फिर राजा फिर गए इसको पास में वशिष्ठ को पास में फिर वशिष्ठ को प्रार्थना किया वशिष्ठ जी फिर शंकर जी को पास में गए। शंकर जी बोले देखो मैं एक काम कर सकता हूँ तुम्हारी जो बेटा है ना एक महीना बेटा रहेगा और एक महीना ये बेटी रहेगी इतना काम मैं कर सकता हूँ। बोले भैया इतना काम तो कर दो। जब उन्होंने इतना काम कर दी
जिस समय उन्होंने बेटी रही तब उनके साध्वी भूत घुसा में शादी होने पर फिर उनका जो बच्चा हुआ है ना तो उसी से चंद्रवंश आया और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। जब बेटा का शादी हुई राजकुमारी के साथ में वहां जो संतान हुई उससे सूर्य वंश आया, सूर्य वंश से भगवान राम आए और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। देखो ये बड़ा आश्चर्य की बात है, एक व्यक्ति से ही ये दो वंश आए, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। और ये दोनों वंश में हमारे सनातन धर्म के जो दो भगवान आए, एक कन्हैया और एक भगवान राम, ये दोनों एक वंश में ही जन्म लिए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी हम लोग कल प्रभु राम की कथा सुनेंगे, आज हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, अभी कन्हैया जन्म लेने वाले। ठीक है, कहते हैं बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चुभय वंशानां चरितम् परमाद्भुतम्। कहते दो वंशावली है, यद्यपि दो वंशावली में राम जैसे सूर्य वंश में बहुत राजा है और चंद्र वंश में बहुत राजा है, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है? बोले राम और कृष्ण की सबसे सुंदर कथा भगवान राम और कृष्ण जितने सुंदर लीला की और इतना सुंदर किसने की नहीं है, ये दोनों का लीला सबसे सुंदर है। अभी सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बोलने जा रहे हैं, जब जा रहे थे जैसे टीवी में सीरियल देखते है ना, इनके हृदय में सारे भगवान के सीरियल, भगवान के सीरियल ठाकुर को लीला दर्शन किया, दर्शन करते ही उन्होंने क्या किया, एक श्लोक को उन्होंने बोल करके पूरी की पूरी उन्होंने कृष्ण कथा बोल दिया। कैसे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, गोकुल में है, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में जन्म हुए, और गोकुल में जब जन्म हुए वहां पर खूब उत्सव हुए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां पर कैसे आनंद हुआ, कृष्ण कैसे पुतना को मारे, अघासुर बकासुर कैसे मारे, कृष्ण कैसे रास किया, कृष्ण कैसे मथुरा गए कंस को मारे, कृष्ण कैसे द्वारका गए 16,160 पटरानियों से शादी हुई, हर रानियों से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई, और कैसे प्रभु जी अभिशाप ग्रहण करके प्रभास क्षेत्र में गए और अपना लीला को समाप्त कर करके ठाकुर जी अपना नित्य धाम को चले गए। इतना बोल करके बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बस इतना बोले और चुप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया, बोले हो गया ना कृष्ण कथा तो पूरी सुना दी। बोले मैं तो 4-4 दिन से बैठा हुआ हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि कृष्ण मेरे कुल देवता, जब मैं माँ की पेट में था ये अश्वस्तमा मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया और उसी समय में ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके मेरे को प्राण दान दिए। इसलिए अंदर में क्यों बात कर रहे हो भैया, कौन कौन अंदर में बात कर रहे, एकदम बात मत करो, मैंने बताया ना भगवान की कथा में जो बोलेगा मेरे को बनेगा, इसलिए मेरे को बनना बनी। इसलिए अभी उन्होंने उन्हें सारी कथा को सुनाया। यहाँ पर प्रश्न होता है, अभी ये सुखदेव कल मैं तो कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, जैसे आप तो पूरा एक जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र का पानी जैसे पान कर लिया, आप तो एक श्लोक बोले सारी कथा को सुना दिया, तो उन्होंने एक श्लोक में सारी कथा क्यों सुनाया? इसका कारण है जैसे जेठ महीना हो बड़ी धूप है, जैसे 15-20 दिन पहले था ना लू बह रही थी, बड़ी गर्मी कोई आ रहा है, पानी को मारो छाती फट रहा है, तड़पड़ रहा है, अगर एक ग्लास कोई उनको है नींबू का पानी उसमें मिश्री डाल करके अगर एक ग्लास पानी देगा तो क्या होगा, एक साथ में एकदम ठंडा करके पी लो है। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, ये राधा रानी के प्रिय सुख है, ये भी कृष्ण कथा को बोलना चाह रहे थे, लेकिन 4-4 दिन हो गया अभी कृष्ण कथा नहीं बोले, लेकिन जब कृष्ण कथा आया पूरा जैसे सीरियल देखते हैं कृष्ण कथा को देख करके उन्होंने क्या की, एक श्लोक में पूरा पूरा कृष्ण कथा सुना दी। जब सुना दी परीक्षित महाराज जब तृप्त नहीं हुए, बोले मेरे को तो पूरा डिटेल से रूप में कृष्ण कथा को सुनाओ, फिर प्रसन्न हो गए, फिर उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने कृष्ण की कथा सुनाई। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। अभी ये कंस ये बड़ा अत्याचारी बना, इतने उसने अत्याचार उसने की, अत्याचार से सारा दुनिया में एकदम तहलका मच गई। बोले कि कंस जन्म कैसे हुआ,
और इनका पिताजी का नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। कहते वो उग्रसेन तो कृष्ण भक्त, पर उसको बेटा भी तो भक्त होनी चाहिए। ये अंदर में पाप क्यों कर रहे हो? ये माताओं में इतने स्वभाव खराब है, कुछ तो बैठ गए दहेली गोबर में। ये बात कौन कर रहे हैं? कहां से आवाज आ रही है? दूर 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 में जाकर बात करो ना, सारा दुनिया को सुना सुना कर बोलो। इसलिए अभी उन्होंने वृंदावन बिहारी लाल की, उग्रसेन का बच्चा कौन बना? कंसन। बोले उग्रसेन तो बड़ा भक्त था, तो बेटा दुष्ट कैसे बना? देखो इसका कथा सुनो। उग्रसेन का पत्नी का नाम थी पद्मा, ये बहुत सुंदरी थी। उसने घर में शादी करके आई, शादी करके आई अपना पीहर गई। पीहर में एक सुंदर वो आकाश में जा रहा था, हठात उसकी नजर पड़ी पद्मा को, बड़ी सुंदर थी और उसका गज कर घूम रही थी। उसने क्या किया, उग्रसेन का रूप धारण करके आ गई। इतने में पद्मा ने बोली, आप हठात कैसे आ गए? बोले मैं रास्ता में जा रहा था, तेरे को देख करके आ गया। और उन्होंने छुप करके वहीं पर उन्होंने मिले, लेकिन जब मिल करके चला गया ना, हर पत्नी को देखना पति का हाल भाव सब पता चलता है, लेकिन पद्मा को पता चला ये तो मेरे पति न दिख रहे, ये लग रहा था ये तो और कोई। उसको गर्भवती हो गई, अपना पीहर भी गर्भवती होकर इतना डर गई, उसने बहाना बनाकर झटा झटा काम पर आ गई, अपना ससुर घर में आ गई। ये बात किसको उसने बोली नहीं, अभी ये दुर्मिली दत्त के संस्कार से, औरत से ये बच्चा हुआ। ये कंस बना, इतने दुष्ट बना, पिताजी को जेल में बंद कर दिया। बोले मेरे देश में कोई प्रभु का नाम जप नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, साधु संत को जेल में बंद कर, जेल में भेज दिया सबको। पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, शंकर जी के पास में, सारे देवता लोग इकट्ठे होकर के खीर समुद्र के पास में गए, प्रभु को स्तुति की। तो पुरुष सूक्त मंत्र से आकाशवाणी हुई, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे दुख कष्ट को मैं समझ गया हूँ, मैं जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ। हे देवताओं, जदुवंश में जन्म लो, हे देवियों, सबके सब तुम गोप वंश में गोपी बन करके आओ, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। अभी देवकी वसुदेव की शादी हुई, कंस बहुत कुछ दहेज दिया, स्वयं सारथी बन करके जो विदा दे रहा था, आकाशवाणी हुई, बोले रे बूढ़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक सारथी बन करके बिताई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनकर जन्म लेगा। कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उन्हें तलवार निकाले, चोटी को पकड़े मारने जा रहा था। वसुदेव महाराज ने देखा ये देवता बनी कभी छोटी नहीं होगी, कर्तव्य किसी तरह से का प्राण को बचाओ। तो उन्होंने साम ताम दंड भेद नीति से बहुत समझाया, बोले देख शादी का समय अपना बहन ही है, अगर मारोगे ना जब तक दुनिया रहेगा, दुनिया क्या बोलेगा, अपना बहन की हत्यारा है, ऐसे जीवन कोई जीवन है नहीं, इसको कोई जीवन कहते हैं? और मरता कौन है? ये शरीर भी मरता है, ये आत्मा तो न जायते न मृियते अजो नित्य शाश्वत है। जैसे एक कपड़े को पुरानी होने पर हम छोड़ करके नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जब जरा जीर्ण हो जाए, ये आत्मा इसको छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है। मरता कौन? ये तो शरीर, ये मरा हुआ शरीर है, इसको क्या मारोगे? क्यों अपना मार करके पाप को क्यों ग्रहण करोगे? बहुत उन्होंने समझाई, कल से नहीं समझा। इतने में बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवकी के जितने बच्चे सब एक एक करके दे दूंगा, लेकिन देवकी को तुम मत मारो। उन्होंने क्यों किया? तो देखो वो सोच रहे हैं आकाशवाणी तो झूठ नहीं होगी, ये तो सच होगा, हो सकता है मेरा पुत्र जन्म होते ही बलवान होकर उसको मार देगा। कंस छोड़ दिया, उसका पहला बेटा हुआ है, जब पहला बेटा हुआ उसने बेटे को लेकर के कंस को दे दिया। जब कंस को दे दिया, कंस का हृदय तक तो पिघल गया, बोले काल को है, कहते काल को उधर से उधर उधर से बचा उधर घूम गया। उसको खाना बनाया गया, उसके सामने उसको पिछले कर रहा ना, जब उसको घर पर लेकर तुम ज्यादा बोलती हो, जब अंदर में जा, अंदर में जाकर बच्चे को बुला, तो क्यों वहां बैठे बात कर रहे हो? ये बच्चे को फिर अंदर में ले जाओ ना, अंदर में लेकर उधर से रास्ता नहीं है, उधर से रास्ता नहीं है,
अलग अलग कमरे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बच्चे को कृष्ण ही बनेगा ठीक है, इसको लेकर के अच्छे तरह से पीला रंग का कोई कपड़ा होगा ना, पीला रंग का कपड़ा पहना। इसका माँ कौन है, इसका माँ एक ही है, इसकी मैया को क्यों नहीं लाए? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब कथा होगा था ना ये बीच में सब डिस्टर्ब नहीं करते, अरे माताएं ऐसे ना एक को देख ले ना उधर देखना शुरू कर देते कथा सुन, कौन कैसे साड़ी पहन करके आई है वृंदावन बिहारी लाल की जय। मतलब कथा में कितना विघ्न होता है, इसलिए कथा को बीच में सब इधर उधर नहीं करनी चाहिए, जो करना सब पहले करते हैं ठीक है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अभी उन्होंने पहला बेटे को उन्होंने कंस को दे दिया, कंस कंस का हृदय तो पिघल गया, बोले अपना बेटे को काल का हाथ में वो प्रसन्न हो गया, बोले तू के बेटे को ले जा क्योंकि ये बेटा से मेरे मृत्यु नहीं तेरी सत्यवादिता में संतुष्ट हूँ, अष्टम बेटा को मैंने मेरे को देना। अभी जब छोड़ दिया नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो गई, बोले क्या गड़बड़ी हो गई, बोले भगवान कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भरेगा तभी भगवान आते हैं, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आ रही, ठाकुर जी आने में लेट करेगी। इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय रामन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नारद जी आए और एक बगीचा में कंस को एकांत में बुलाया, बोले देख कंस मैं अभी स्वर्ग लोक से आ रहा हूँ, मैंने देखा ब्रह्मा जी कि सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग का जो विषय वस्तु था तेरे को कैसे मारेंगे, ध्यान देकर सुनो, ये जितने जदुवंश में ना ये और कोई नहीं ये देवता लोग हैं, ये जितने गोपवंश में लड़की ये और कोई नहीं ये कौन है, सब के सब देवियां, ये सब के सब मंत्रणा करके तेरे को मारने के लिए आए। तब उन्होंने कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, बोले बताओ तो इसमें पहला नंबर कौन और 8वां नंबर कौन, बोले गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले उल्टा से गिनो, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले गुरुजी क्या बताना चाहते, बोले तेरे समझ में नहीं आया, ये देवताओं का बात समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से 1 2 कर रहे हो, अगर वो उल्टा से अगर 1 2 करे तो जिसको तुम पहला नंबर कर रहे हो ना हो जाएगा 8वां नंबर, जब ये बच्चे जन्म लेंगे 8 भाई जन्म लेंगे तो बड़े होकर के बड़े होएंगे कि नहीं, फिर ये सबके सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी फिर क्या करनी चाहिए, सबको मार दे, बोले भैया मैं क्यों बोलूं, तू जानता तेरा बाप जानता है, बस नारद भड़काए और वहां से बीड़ा उठा करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। बच्चा कृष्णा थोड़ी देर बाद में आया, जब वहां से भाग के इतने में कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को उन्होंने मार डाले। अभी प्रश्न होता है भैया नारद जी बिना कर्ण से बच्चों को क्यों मरवाए, तो नारद जी को इनके पूर्व जन्म की कथा सब पता था, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा के पुत्र मारीच थे, इन्होंने ब्रह्मा जी के अभिशाप से ये सब के सब ये बच्चे हुए, बोले 3 जन्मों के बाद में तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, इनको जितना जल्दी मरेंगे इनकी उतना जल्दी मुक्ति होगी, क्योंकि इनके पूर्व जन्म की बात नारद जी को पता था, उन्होंने मरवाया नहीं इनको मुक्ति करा दिया है। अभी उन्होंने 6 बच्चे को मारे, अभी ध्यान देकर सुनो, उन्होंने 6 बच्चे कौन है,
छह बच्चों को मरवा रहे थे। कहते अगर अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आएंगे हैं अष्टम गर्भ में, ये छह कौन, ये छह हैं कहते काम क्रोध लोभ मोह मद और ये मात्सर्य, ये जो छह हैं कहते ये छह रिपु हमारी, ये छह शत्रु है। पहले ये छह रिपु को राक्षसों को पहले मारो। बोले सप्तम गर्भ में कौन आएंगे, कहते श्री बलदेव प्रभु। कहते बलदेव प्रभु कौन, बोले धाम, जो भगवान के हृदय में जो धारण करने वाले श्री बलदेव प्रभु है, ये सेवक स्वरूप है। और अष्टम गर्भ में कौन आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे हैं। कहते कृष्ण तभी आएंगे, ये एक अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ को सुनो ध्यान देकर के, भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए। आज सवेरे हम कथा सुन रहे थे, जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन होता है, उसी तरह भक्ति जगत में भी आठ स्टेजेस हैं, आठ सोपान सीढ़ी हैं। कहते भक्ति का जो सबसे पहला सीढ़ी है श्रद्धा। जैसे आप लोगों का अंदर श्रद्धा है तभी आप लोग यहाँ आकर के बैठे, अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप क्या यहाँ आते, यहाँ पर आते नहीं। इसलिए भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा। दूसरा जो स्टेज बोले साधु संगम, जैसे श्रद्धा में आप लोग आए बैठे, अभी साधु संगम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। जब कथा को सुनोगे कथा में क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। हाँ इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब सत्संग ज्ञान मिलेगा, बोले क्या ज्ञान मिलेगा, ये जीवन क्या है, 84 लाख जीवन के बाद में मिला। ठाकुर जी बारम्बार जीवन नहीं देते, ये मुक्ति की दरवाजा है। अगर ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं, चिरकाल के लिए संसार का बंधन को खत्म करके भगवान को पास में चले जाओगे, फिर जगत में जन्म मृत्यु तुम्हारी खत्म हो जाएगी, आनंद ही आनंद ठाकुर जी के चरण में मिलेगा, ये ज्ञान मिलता है। ये हो गया दूसरा स्टेज। बोले तीसरा स्टेज क्या, तीसरा भजन क्रिया। जब ये बात को समझेंगे फिर क्या करेंगे, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे। जब भक्ति करेंगे तो उसका स्टेज क्या है, भक्ति करने पर हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह अनर्थ अभिज्ञा सब सब खत्म हो जाएगी। फिर जो पंचमा स्टेज क्या है, बोले रुचि। रुचि मतलब होता है जैसे पहले पहले भजन करो भक्ति पर मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है भटकता है, लेकिन जब भक्ति करते करते हृदय से सब गंदगी खत्म हो जाएगी, फिर तो भगवान का नाम इतने मीठा लगेगा फिर छुटेगा नहीं। आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाई चुके हैं, आप लोग को मिश्री मीठा लगता है ना कड़ू लगता है, लेकिन किसी किसी को मिश्री कड़ुआ भी लगता है। कौन बोले हाथ उठा, मिश्री किसको दूसरों कड़वा लगता है, किसको लगता है बोलो। बोले जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, ना पीलिया बीमारी जंडिस बीमारी हो जाए, उसको जो कुछ खिलाओगे उसको कड़वा लगे, उसको मीठा नहीं लगेगा। लेकिन डॉक्टर बोलेगा देख बेटा मिश्री तो मीठा है, लेकिन तभी अभी तुमको मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको बीमारी है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं, इसको चुसते रहना, चुसते चुसते जब तुम्हारी कड़वापन बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर मिश्री मीठा लगने लग जाएगी। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए समझना तुम्हारी बीमारी सही हो गई, बीमारी तुम्हारी सही हो गई। कहते उसी तरह जो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, इससे बड़ा मीठा जगत में कुछ भी नहीं, सबसे मीठा प्रभु का भक्ति। लेकिन अभी प्रभु का भक्ति अभी मीठा नहीं लगता, प्रभु का नाम अभी मीठा नहीं लगता है, दुनिया की बात हमें मीठा लगता है। लेकिन डॉक्टर कौन, बोले सदगुरु। देख बेटा भगवान का नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन तुमको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन नहीं लगने पर भी जोर जबरदस्ती है, जैसे बच्चे को कोई कड़वी दवाई हो ना, बच्चा पीना नहीं चाहता है, भैया क्या करती है, मुंह फाड़ करके चम्मच से जोर जबरदस्त को पिला देती है, जानते हैं पेट में जाएगा तो बेटा का बीमारी सही हो जाएगा। उसी तरह जो भगवान का जो नाम है सबसे मीठा, लेकिन प्रभु का नाम करते करते पाप धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगा तो प्रभु का नाम मीठी लगने लग जाए, ठीक है ना। क्या करे, भगवान का नाम को जप करो, भगवान की नाम को जप करो, ये सबसे मीठी दवा। इसको मतलब रुचि, इसको बात में निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या, भक्ति में ऐसे पक्की बन जाओगे ना, भले दुनिया तुम्हारी विरोध बन जाए लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छोड़े। जैसे मीरा, मीरा का नाम सुने कि नहीं,
जब मीरा ने भजन की सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, पति देवर जेठ गांव के कुत्ता तक उसको पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मीरा अपना भजन नहीं छोड़ी, दुनिया छोड़ गई लेकिन अपना भजन को मीरा छोड़ी नहीं। लास्ट में क्या हुई, लास्ट में जाकर के भगवान द्वारकाधीश में ही मिल गई, द्वारकाधीश में मिल गई। उसका परिवार उसको मारने के लिए कोशिश किया, राणा ने भेजा जहर की प्याला, लेकिन अमृत करके मिल गए। क्यों, ठाकुर को भोग लगा कर पी, उनको ये मारने के लिए सर्पों को भेज दिया पटेरा में, सर्पों को लिया तो सालग्राम हो गए। भक्ति की मीरा की ऐसे भक्ति थी। तुम लोग सब मीरा के देश के हो, कहाँ के देश के हो, राजस्थान के ना तुम लोग, इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा भक्ति है ना करने वाले राजस्थान का लोग है। राजस्थान में जितने भक्ति दिखती ना, और इतना जगह में इतना भक्ति नहीं दिखती जितना भक्ति राजस्थान में, क्योंकि तुम्हारे देश में बड़े बड़े संतों को जन्म ग्रहण किया है, उनके प्रभाव से तुम राजस्थान के लोग सब के सब भक्ति करने वाले। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सप्तम अष्टज भाव है, भाव दशा में क्या है, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनाई देगी, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर मेरे सामने प्रकट हो गए, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आकर के हमें अमृत पिला कर चले गए, कभी कभी उनको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी हमें स्पर्श किया है, रोंगटे खड़े हो जाए हैं, ठाकुर की चरण की नुपुर की आवाज सुनने को मिलेगी भावावस्था। और जो अष्टम स्टेज प्रेमावस्था में साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, इसलिए भगवान अष्टम स्टेज में। याद हो गया आप लोग को, किसको किसको याद हो गया, देखना कल को मेरे को। इसलिए देखो अभी भगवान आने वाले, अभी अभी कंसे ने देवकी वसुदेव को कारागार में, अभी बच्चे को सजा दिया, बच्चे सज गया ठीक है, दो मिनट हैं, और उनको कृष्ण का पिता माता उधर ही है ना, उधर ही है ठीक है। इसलिए अभी कंस देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया था, अभी भगवान अवतीर्ण हुए, भगवान जो अवतीर्ण हुए एकदम 33 करोड़ देवता आकर के भगवान को स्तुति कर रहे थे, गर्व स्तुति कर रहे थे, और भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। देखना साधारण कोई अगर प्राइम मिनिस्टर आए ना उसके लिए कितना स्वागत होता है, अभी विश्व ब्रह्मांड के मालिक पालन हार भगवान कृष्ण आ रहे हैं, ये पृथ्वी दुल्हन जैसे सज लगे, और जो यमुना थी ना कलकल नाद से बह रही है, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। में आनंद नया कोई जय कोई है बोल रहे हो, और जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी लग रहा है जयकार में आनंद आया है, अभी सारे देवता लोग जय जयकार कर रहे थे है? जमुना नदी भी कलकल नाद से बह रही थी, बोले क्यों बह रही थी, बोले कारण है भगवान जब जन्म लेंगे ये जमुना नदी में ये कृष्ण स्नान करेंगे, जल विहार करेंगे, और ये जमुना कौन है, कृष्ण की पटरानी बन करके ये आए, इसलिए जमुना प्रसन्न हो रही थी। बोले और जितने सारे नदी कहते और जितने सारे नदी भी प्रसन्न हो रही थी, बोले क्यों प्रसन्न हो रही थी, बोले कारण है जो यमुना है ये सबसे बड़ी बहन, और जो दूसरी दूसरी जो नदियां है ना ये सब छोटी बहनी है, इसलिए दूसरी नदी इसलिए प्रसन्न हो रही थी। कहते कृष्ण जब यमुना के साथ में शादी होगी पटरानी बनेगी, हम क्या बने जाएंगे, कृष्ण की साली बनेंगे, क्या बनेगी, कृष्ण की साली। आप देखना कभी कभी जो दामाद है ना पत्नी से अपना साली को कभी कभी ज्यादा प्रेम कर देता है, इसलिए कृष्ण हमें भी प्रेम करेंगे, इसलिए सब नदी खुश हो रही थी। कहती ये पृथ्वी प्रसन्न हो रही थी, क्यों, बोले भगवान नंगे प्यार में गोचार न करेंगे, और ये जो पृथ्वी ये सत्यभामा रूप में ये कृष्ण की पटरानी बनेगी, इसलिए पृथ्वी भी खुश हो रही थी। और कृष्ण जिस दिन आए वो कौन सा तिथि था, अष्टमी तिथि बुधवार भादो के महीना, इसलिए उसी समय जो चंद्रमा है अष्टम में आधा चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा आज पूर्ण रूप में प्रकट हो गई, बोले क्यों, बोले आज ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गई। जब चंद्रमा प्रकट हो गए उस समय आकाश में मेघ छाया हुआ था, अभी मेघ नीचे और चंद्रमा ऊपर, इतने में चंद्रमा मेघ को बोले मेघ मेरे सामने हट जा, सामने आ गई, हट जा यहाँ से, बोले क्यों, बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं ठाकुर जी मेरे रंग रंग को लेकर के आ रहे हैं, मेरे कलर को लेकर के आ रहे हैं, बोले तेरे कलर लेके, लेकिन वंश किसके हैं, मेरे वंश में ठाकुर जी आ रहे, हट जा यहाँ से। देवता लोगों को बोले भैया अभी भगवान जन्म लेने वाले, लड़ाई झगड़े का समय नहीं, तू भी थोड़ा हट ले, दोनों ये जन्म उत्सव के आनंद दोनों दोनों लोग, अभी जो कमल फूल है ना वो खिलता है दिन में,
लेकिन कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों खिल गया? बोले संत लोग जब भगवान की स्वरूप का जो उदाहरण देंगे, उपमा देंगे, किस रूप में? बोले नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, कमल कमल को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए कमल एकदम खिल गया, रात में भी कमल खिल गया और सारा दुनिया में जयजयकार हो रहा था। और उसी समय भगवान क्या किया, देवकी वसुदेव को कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवकी बोली प्रभु, देवकी बोली प्रभु, मैं तो आपको अपना पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, आप तो चतुर्भुज रूप लेकर के 16 साल के भोगुड़ाल केस और चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो। तब भगवान ने बोले देखो पूर्व जन्म में तुम देवकी और वसुदेव थे, तुम माता जी, इसलिए पूर्व जन्म में तुम लोग कौन थे? कि तुम लोग पूर्व जन्म में मेरी कठोर तपस्या की है, जब मैं संतुष्ट होकर दर्शन दिया कि बोले पत्ते को खा खा कर भजन किए। बोले बर मांगो तुम दोनों, बोले आप जैसे मेरे को तो बेटा चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसे तो कोई बेटा नहीं होगा, मेरे जैसे मैं हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी पुत्र बन करके आ जाऊंगा। देखो अभी मैं बेटा बन कर जन्म लूंगा, मेरे को लेकर के गोकुल में छोड़ आना, वहां पर एक बेटी को ले आना। बोले कैसे जाएंगे, ये हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ, बड़े बड़े दरवाजा, पहरेदार सबके सब बैठे हुए। बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना सर पर रख लो, देखना सब सही हो जाएगा। देखो ठाकुर एक अच्छी शिक्षा दी। बोले घर में कोई भी काम हो ना, घर में तुम्हारी कोई भी काम होता है, ऐसे नहीं भगवान को तो पीछे भगवान के लिए भोग लगाना कुछ नहीं, सारा दुनिया को बुला करके उल्टा पुल्टा खाना खा रहे हो, नाच गा भूत का नाच नाच नहीं। घर में कोई भी काम होगा, जैसे बच्चे का बर्थडे है, क्या करना? पहले अपना बच्चे के कपड़ा को सोचना नहीं, सोचो पहले ठाकुर के लिए कपड़ा है। ठाकुर को तो 3-4 सेट रखा हुआ, ठाकुर जी 15-10 दिन से एक कपड़ा पहनेंगे और खुद दिन में 3 बार बदला रहे, और जिसने दिया उसके लिए कुछ भी नहीं, प्याज लहसुन डाल करके उल्टा पुल्टा खाना दुनिया को खिला रहे हो, ठाकुर चुपचाप देख रहे बैठ रहे, ठाकुर जी देख रहे, पर जिसने दिया सब उसके लिए कुछ नहीं है। कहते नहीं हमारे बच्चे का बर्थडे में क्या क्या नहीं देते हो, जितना कपड़ा क्यों नहीं हो तब भी फिर कपड़ा पहनाते हो, लेकिन ठाकुर जी के लिए? बोले ठाकुर के लिए तो है नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। पहले अपना को मत देखो, किसको पहले देखो? ठाकुर जी को देखो। किसको देखो? ठाकुर जी को। एक उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया? जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह सजाओ, शीशा को सामने खड़े हो जाओगे ना, देखना परछाई अपने आप सज जाती, परछाई अपने आप सज जाती जैसे अपना शरीर को सजाओगे। ठीक उसी तरह जब भगवान को सजाओगे, भगवान को श्रृंगार करोगे ना, कहाँ देगा, किसको यहीं पर रखो प्रभु जी, यहीं रखो, यहीं रखो पीछे तुम्हारे। इसलिए भगवान के लिए करोगे तो अपने आप तुम सज जाओगे। इसलिए क्या करो, पहले अपनी अपना को मत देखा करो, पहले ठाकुर जी को देखो, ठाकुर को श्रृंगार करो, ठाकुर को खिलाओ तो अपने आप तुम खा लोगे, अपने आप सज जाओगे। इसलिए जब सर पर रखे ना, सारे दरवाजा खुल गए, हथकड़ी बड़ी खाली हो गई, अंदर से जब जा रहे थे बारह दर्श हो गए, रिमझिम बारिश ही हो रही थी, भगवान छत्र रूप में आ गए। अब जब यमुना नदी पार हो रहे थे, लपालोप पानी भरा हुआ, यमुना भी सोच रही मैं भी प्रभु का चरण स्पर्श करूं, पीछे से चरण बढ़ाए, यमुना भी ठाकुर को चरण स्पर्श की, नीचे हो गई और उन्होंने पार होते हुए कहां चले गए, गोकुल में, वहां पर बेटा को रखकर के बेटे को ले आए। आप देखो आज हम जो सुने हैं कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कल हम सुनेंगे, कल की जो कथा सबसे मीठी कथा, कल जो कथा सुनेंगे ना वो कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए, कृष्ण के गोकुल में कैसे जन्म उत्सव हुआ, कल हम गोकुल की कथा सुनेंगे। और जो कल है, कल हम लोग देखो एक बात है, कल हम राधाष्टमी करना चाह रहे थे, कि जो परसु एकादशी, परसु एकादशी ना, परसु एकादशी, इसलिए देखो कल हम अन्नकूट का महोत्सव मनाए थे, ठीक है। जो अन्नकूट का जो महोत्सव है इसका बड़ी महिमा है, कृष्ण कहते हैं कि अन्नकूट की सेवा में जो एक किनका अन्न दान दे दे, गिरिराज की सेवा में घर में कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगा। गोवर्धन गए हो, कौन कौन गिरिराज गए आप देखना, गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ। बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, आप गिरिराज शिला के ऊपर जितना शिला रखोगे ना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते,
आप देखना पेड़ में पेड़ में बंधा हुआ देखो रस्सी, बोले क्यों? बोले जिनकी बेटी की शादी नहीं होता है, बेटा का नहीं हो रहा है, काम काम नहीं, गिरिराज में जाओ अभिषेक करो परिक्रमा करो। जो गिरिराज की परिक्रमा करते ठाकुर पीछे 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 चलते हैं, मेरे से क्या मांगेगा, इतने महिमा गिरिराज है। इसलिए जो कुछ मांगो, इसलिए उनका नाम सर्व अभीष्ट प्रणता, जो उनसे मांगो ठाकुर जी आपको सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कल हम अन्नकूट करेंगे, इसलिए आप लोग एक काम करना, घर से ठाकुर जी के लिए, यहाँ सब यही रह रहे हैं जो बाहर से आए हो, कोशिश करना ठाकुर जी के लिए कुछ बना करके लाना है। तुम लोग जो बढ़िया बनाना जानते हो, घर में जो सबसे बढ़िया चीज जो बना उसको बना करके लाना, गिरिराज की सेवा लगेगी और उसको बाद में आपको ही मिलेगा। और यहाँ पर जो माताएं रहती हैं, कोशिश करना कल बढ़िया बढ़िया खाना बनाने के लिए, बेस्ट जो जीवन में बढ़िया जानते हो। फिर आपका हाथ का चीज, तरह तरह का पकौड़ा, दाल भात चूरमा, आप जो बढ़िया जानते हो हैं, पूरी हलवा जो अच्छे जानते हो, ठाकुर जी के लिए यहाँ बनवाना और गिरिराज की सेवा भी लगेगी। कहते एक किनका अगर लगा दोगे ना, ठाकुर खुद कहते किसी जीवन में तुम्हारे घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगा, माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में भरपूर रहेगी। ठीक है, कल अन्नकूट करके और परसों राधा रानी जन्म उत्सव और लास्ट का दिन होली करके और कृष्ण रुक्मिणी की शादी और सुदामा राशन लक्ष्मी। अभी ले आओ उनको, ले आओ भगवान को ले आओ। अभी से ठाकुर जी आ रहे हैं, वो जो फूल था ना, कहां तो फूल कहां गया, सबका हाथ में दे दो, ये फूल सबका हाथ में दे दो, ठाकुर जी आ रहे हैं, सबके सब फूल की बौछार करना चाहते हैं। भैया दे दो, सबका हाथ में फूल दे दो। भैया तुम लोग खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये बीच बीच में खड़े हुए रास्ता आपको दे देना, रास्ता हरे कृष्णा सब हाथ में फूल थोड़ा करा दे दो। कृष्ण कहाँ है, बोले सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम Yeah.
Oh,
Yeah.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण। आप सब बैठिए, आप साथ में आने का फोटो लेंगे, हमारी ग्रुप में छोड़ देंगे, ये पृथ्वी में जाएगा, ये कोटा में कथा हुई। हम लोग बैठिए, आप सब बैठिए, आप लोग हरे कृष्ण, सब बैठिए।